उसकी खास बात क्या रहेगी वीडियो की कि बायोलॉजी के 90 में से मिनिमम मेरा एस्टिमेट ये है 20 क्वेश्चन उस वीडियो में से आएंगे, जो ये 1.5 या 2 घंटे की वीडियो रहेगी, 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 90 में से। एक है वायरस, ठीक है, देखो एक एक वर्ड पे एक एक लाइन पे बिल्कुल मेरे साथ में रहना, बिल्कुल एनसीईआरटी को यहां पे चिपका देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि वायरस होस्ट के बाहर कैसा है, डेड है, और होस्ट के अंदर क्या है, जिंदा हो जाता है। ठीक है, होस्ट के बाहर डेड है और होस्ट के अंदर जाते ही जिंदा हो जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं ना कि वायरस क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब होस्ट के अंदर ही जिंदा रहेगा, मतलब पूरे तरीके से होस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया यहां पे कि वायरस होस्ट के अंदर जाते ही जिंदा हो जाता है, तो होस्ट के अंदर जाके वो करता क्या है ये देखते हैं। देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो वायरस होस्ट में जाके क्या करेगा, उसकी मशीनरी पे अटैक कर देगा और उसका टेक ओवर कर लेगा, टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट। ठीक है, एक तरह से लेगा उसकी मशीनरी को। ठीक है, फिर क्या करेगा, उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करके वो खुद को भी रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, और दूसरा काम क्या करेगा, होस्ट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। ठीक है, उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा और खुद को रेप्लिकेट करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा, उस होस्ट को नुकसान यानी किल करना शुरू कर देगा। हाँ, तो इस तरीके से वायरस होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो हमने एनसीईआरटी वालों से पूछा कि तुमने किस बेस पे बोल दिया कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, तो उन्होंने बोला कि वायरस में दो ही चीजें होती हैं, वायरस में दो ही चीजें होती हैं, न्यूक्लियक एसिड एंड प्रोटीन। तो न्यूक्लियक एसिड से आया न्यूक्लियो और प्रोटीन से आया प्रोटीन, तो पूरा हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, अब देखो वायरस का फंक्शन क्या होता है, किसी भी वायरस का फंक्शन क्या होता है, वायरस नीट की तैयारी तो करता नहीं आपकी तरह, तो वायरस क्या करता है, इंफेक्शन ही करता है। वायरस का फंक्शन क्या होता है, इंफेक्शन करना, तो वायरस इंफेक्शन किसकी हेल्प से करता है, न्यूक्लियक एसिड, है ना, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इंफेक्शन न्यूक्लियक एसिड की मदद से करता है। तो मतलब क्या है कि न्यूक्लियक एसिड वायरस के लिए बेहद जरूरी चीज है, तो इस बेहद जरूरी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, प्रोटीन। अब समझ में आ गया, न्यूक्लियक एसिड काम आएगा इंफेक्शन के, और इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन करेगा। क्लियर बात है। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी वायरस में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। अब यहां पे एक चीज पे 5 स्टार लगा लेना कि आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ किसी भी वायरस में नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। क्लियर बात है इतनी। अब प्रोटीन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखो प्रोटीन का फंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोटेक्शन। अब देखो प्रोटीन की जो कोट होती है ना, न्यूक्लियक एसिड के बाहर जो प्रोटीन की कोट होती है उसको बोलते हैं कैप्सिड। अब कैप्सिड कैसे बनी होती है, कैप्सिड मेड ऑफ मैनी, मतलब किससे बनी है, बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलके बनी है ये कैप्सिड। ठीक है, अब ये कैप्सोमियर्स की अरेंजमेंट दी हुई है, एनसीईआरटी में दो ही तरीके बताए गए हैं, कैप्सोमियर्स की अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकती है, दो वो डायग्राम जो दिए हुए हैं वो यही वाले हैं, एक हेलिकल एंड एक पॉलीहेड्रल। हेलिकल में एग्जांपल दिया हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस, और पॉलीहेड्रल में बैक्टीरियोफेज। जो वायरस जनरली, ये जनरल बात की गई है, ऐसा नहीं है कि हर बार ये सच है, एनसीईआरटी में साफ-साफ एक वर्ड लिखा है कि जनरली जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले, है ना, वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरस, और जनरली जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले भी हो सकते हैं या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक ये बैक्टीरियोफेज, पहले तो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है।
वायरस के रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट दिए मैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले दिमित्री इवानोस्की, ठीक है, जो मेरे को तो नाम भी नहीं बोलने आते, बहुत मुश्किल से नाम है ना। तो इसने क्या किया था, इसने नेमिंग ऑफ वायरस मतलब वायरस का नामकरण किया था, ठीक है। अब या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो कि नेमिंग इसने की थी, या मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि ऐसे बोलते हैं ना कि आसमान में नाम लिख दिया है ना, आसमान में किसी का नाम लिख दिया, तो आसमान मतलब स्काई, तो स्काई में नाम लिख दिया, ठीक है, तो याद आ जाएगा नेमिंग ऑफ वायरस स्काई मतलब इवानोस्की ने की थी, ठीक है। अब वायरस यहां पे इसी के पहरा में, इसी की लाइन में एक लिखा हुआ है कि वायरस का मतलब क्या होता है, पॉइजनस फ्लूड या वेनम। वायरस का मतलब क्या होता है, पॉइजनस फ्लूड या वेनम, ठीक है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है डब्ल्यू एम स्टेनले। डब्ल्यू एम स्टेनले, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो STA, और यहां पे मैच करा देना STA, ये याद आ जाएगा आपको। मतलब डब्ल्यू एम स्टेनले ने क्या किया था, इसने क्या बताया था, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, ठीक है। आपको यहां पे हिट पॉइंट क्या है, क्रिस्टल याद रखना है कि वायरस के क्रिस्टल किसने बनाए थे, स्टेनले ने, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है एम डब्ल्यू बिजरेनिक, इसने क्या किया था, इसने ये टर्म दी थी कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। कंटेजियम का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस, वाइवम का मतलब होता है लिविंग, फ्लूडम का मतलब होता है फ्लूड, मतलब क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। ये आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी को ये भूल जाता है तो इसको ऐसे याद रखना। देखो ये है बिजरेनिक, इसको इसे याद आ जाएगा अपने को बीजिंग, है ना, बीजिंग याद आ जाएगा। और बीजिंग कहां पे है, चाइना में है, तो चाइना वर्सेस फ्रांस का फुटबॉल मैच है, कोई भी मैच याद रख लो, चाइना वर्सेस फ्रांस का मैच, तो चाइना का मैच है तो कहां पे होगा, बीजिंग में होगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें एक टोबैको के बारे में लाइन लिखी हुई है, वैसे कुछ खास नहीं है, ऐसे ही सिंपल सा, अगर आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं तो ऐसे है, एक इंसान को कोरोना है, ठीक है, एक इंसान को कोरोना है तो वो बाकियों को भी फैला सकता है ना, बाकियों को कैसे फैला सकता है, क्योंकि वायरस दूसरे इंसानों में फैल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यही टोबैको की लाइन इसमें भी लिखी हुई है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीजें आती हैं, एक वायरस हम कर चुके हैं, एक वायरोइड्स, एक प्रायोन्स। अब हमने वायरस में किया था कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। अब यहां वायरोइड में क्या है, ओनली न्यूक्लिक एसिड, मतलब वायरोइड में प्रोटीन अब्सेंट है, और प्रायोन्स में क्या है, ओनली प्रोटीन है, मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट है ना। देखो वायरस का तो हमें याद ही है दोनों होते हैं, क्लियर बात है। अब P4 प्रायोन्स, P4 प्रोटीन, प्रायोन में होगा प्रोटीन, तो वायरोइड बच गया, ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें प्रोटीन अब्सेंट है, ओनली न्यूक्लिक एसिड, क्लियर बात है। अब वायरोइड के बारे में, वायरोइड के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो भी, इससे अलग आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। मैंने पूरा यहां पे उतार दिया कि वायरोइड्स डिस्कवर्ड बाय टी ओ डाइनर। अब ये याद कैसे रखना है, मैं तो डी से डी मैच कराता था, डाइनर डी, वायरोइड में डी थोड़ा वो है ना, एक प्रमुख लेटर सा सामने आ रहा है, तो डी फॉर डाइनर, ये हो गया, है ना, डिस्कवर्ड बाय टी ओ डाइनर, क्लियर है। नेक्स्ट है वायरोइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यहां भी डी से याद करता था इसको, कि डी यहां पे आ रहा है, स्पिंडल में भी डी, है ना, इस तरीके से याद रख रहा, स्पिंडल में भी डी, तो यहां पे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, क्लियर बात है। अब नेक्स्ट आ गया ओनली जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसमें प्रोटीन अब्सेंट होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वायरोइड्स में ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड में भी बात करें तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें फ्री आरएनए होती है, फ्री आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन अब्सेंट होता है, हम कर ही चुके हैं। और यहां पे खास बात लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि वायरोइड्स में जो आरएनए होता है, वायरोइड्स में जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए, क्लियर बात है इतनी। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रायोन्स पे, प्रायोन्स के बारे में हम एक पॉइंट तो कर चुके हैं, P4 प्रायोन्स, P4 प्रोटीन, मतलब इसमें ओनली प्रोटीन होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल या बोलो न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रायोन्स है ना जो वो एजेंट होते हैं एक तरीके के, है ना, प्रायोन्स जो एजेंट होते हैं, तो वो कैसी बीमारी फैलाते हैं, कैसी डिजीज फैलाते हैं, न्यूरोलॉजिकल, ये यहां पे हिट पॉइंट है, ये याद रखना, प्रायोन्स न्यूरोलॉजिकल डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब दो डिजीज दी हुई हैं जो प्रायोन्स की वजह से होती है ना, ये दो डिजीज हैं जो प्रायोन्स की वजह से होती है, एनसीईआरटी में दी हुई हैं, कौन सी, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जो BSEB, ये किस में होती है, कैटल्स में होती है, ठीक है, ये कैटल्स में होती है, और इसी वायरस का एक एनालॉगस वेरिएंट है जो CR जैकब डिजीज, ये ह्यूमंस में होती है, ये कॉज करेगा, दो डिजीज है, कौन सी BSE एंड कौन सी जैकब, ये CR जैकब डिजीज, ये होगी कैटल्स में, ये होगी ह्यूमंस में, और दोनों वायरस क्या है, एनालॉगस वेरिएंट, है ना, ये इसका एनालॉगस वेरिएंट है, क्लियर है।
देखो G1 फेज, S फेज और G2 फेज है, ठीक है। अब इनमें जो जो होता है, जो भी NCERT में दिया हुआ है, मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो G1 में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। और S फेज सिंथेसिस फेज, मतलब नए DNA की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, DNA रेप्लिकेशन इसमें होता है। और G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और सेल फर्दर ग्रो कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, ठीक है। अब देखो जो सेल नॉर्मली डिवाइड करेगी वो इस पैटर्न को फॉलो करेगी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर कहां चले जाएगी, माइटोसिस फेज में चली जाएगी, ठीक है। पर कुछ सेल, जैसे NCERT में लिखा हुआ है, कुछ सेल ऐसी होती हैं जैसे कि हार्ट सेल, वो क्या करती हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहती है ना, वो बोलती है कि हमें आराम करने दो, हमें रेस्ट करने दो, हमें फर्दर डिवाइड नहीं करना। तो वो क्या करती हैं, इस जी वन फेज को छोड़ के कहां चली जाती हैं, जी नॉट फेज में चली जाती है। जी वन वाले फेज से निकल के वो जी नॉट फेज में आ जाती है ना, क्यूसेंट स्टेज में आ जाती है। अब यहां पे क्या होगा, सेल फर्दर प्रोलिफरेट यानी रैपिड मल्टीप्लिकेशन फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, बट यहां पे एक बात ध्यान रखना, वो सेल अभी भी जिंदा है यानी अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो डेड सेल नहीं है, वो सिर्फ आराम करना चाहती है, वो मरी नहीं है, वो डेड नहीं है, ये बात याद रखनी है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इज प्रिवेंटेड बाय आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। अब आर्ट हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, इन विट्रो या इन विवो। इन विट्रो का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी और इन विवो का मतलब है फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। अब इन विट्रो में हमारे पास क्या क्या आता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है IUT, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। नाम से ही पता लग रहा है यूट्रस में ट्रांसफर होगा, यहां पे नाम से क्या था, फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा और यहां पे यूट्रस में। बस डिफरेंस इतना है, इसमें था जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स और इसमें है जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, क्लियर है। और इसमें लास्ट है ICSI, मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें भी नाम से ही याद कर लो इसको कि साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, साइटोप्लाज्म किसका होगा, ओवम का, ठीक है। स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। अब है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्स्ट है गिफ्ट यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें जो फीमेल या मदर होती है वो अबनॉर्मल होती है, मतलब वो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो ओवम क्या होगा, किसी डोनर से ले लिया जाएगा। ओवम फ्रॉम डोनर किसको दे दिया जाएगा, अबनॉर्मल फीमेल को। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, सीमन फ्रॉम हस्बैंड या डोनर से लेते हैं, सीमन हस्बैंड या डोनर से लेते हैं और आर्टिफिशियली बिल्कुल नॉर्मल फीमेल या नॉर्मल मदर में इनसेमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये कहां पे होती है, डाइकोट स्टेम में भी होती है, डाइकोट रूट में भी। इतनी बात क्लियर है कि सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट प्लांट्स में होती है, मोनोकोट प्लांट्स में नहीं होती, डाइकोट स्टेम में भी होती है और डाइकोट रूट में भी। अब पहले बात करेंगे हम डाइकोट स्टेम के बारे में, फिर करेंगे डाइकोट रूट के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। देखो इसको मैंने बहुत प्रिसाइज तरीके से बनाया, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। देखो डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ दो टाइप से होगी, इंट्रास्टीलर एंड एक्स्ट्रास्टीलर। इंट्रास्टीलर का मतलब क्या होता है कि ऐसी सेकेंडरी ग्रोथ जो एंडोडर्मिस के अंदर होगी, और एक्स्ट्रास्टीलर का मतलब क्या होता है, ऐसी सेकेंडरी ग्रोथ जो एंडोडर्मिस के बाहर होगी। सिंपल है, इतनी बात क्लियर है। अब इंट्रास्टीलर में क्या होता है, प्राइमरी मेडुलरी रे क्या बना देंगी, प्राइमरी मेडुलरी रे बना देंगी इंटरफेसिकुलर कैंबियम को, ठीक है। प्राइमरी मेडुलरी रे फॉर्मेशन करेंगी किसका, इंटरफेसिकुलर कैंबियम का, और इंटरफेसिकुलर कैंबियम क्या बना देगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रे, इसी को तो हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है। अब इधर आते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर में क्या होगा, हाइपोडर्मिस फॉर्मेशन करेगा कॉर्क कैंबियम की, हाइपोडर्मिस फॉर्मेशन करेगा कॉर्क कैंबियम की, कॉर्क कैंबियम को हम बोलते हैं फेलोजन। कॉर्क कैंबियम अब किसकी फॉर्मेशन करेगा, कॉर्क की एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, कॉर्क को हम बोलते हैं फेलम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं फेलोडर्म। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना यहां पे, अब नोट डाउन कर लेना, फेलोजन, फेलम, फेलोडर्म क्या क्या होते हैं, बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ये अपना डाइकोट स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ पूरी क्लियर है बिल्कुल। अब बात करेंगे डाइकोट रूट की। अब देखो डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ में हमें क्या याद रखना है, देखो बहुत सिंपल है,
कंजक्टिव टिश्यू बना देगा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोयम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रे, और पेरिसाइकल बना देगी स्कॉर्क कैम्बियम एंड प्राइमरी मेडुलरी रे। ठीक है, डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ आते ही क्या याद रखना है, दो टाइप से, इसमें भी दो टाइप कर देने हैं कि कंजक्टिव टिश्यू तो बना देगा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रे, और पेरिसाइकल बना देगा कॉर्क कैम्बियम एंड प्राइमरी मेडुलरी रे। अब देखो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इननेट एंड एक्वायर्ड। देखो इननेट होती है बाय बर्थ, है ना, बाय बर्थ मतलब हम पैदा हुए हमें वो मिली, एक्वायर्ड मतलब हमने दुनिया में आके एक्वायर की, मतलब आफ्टर बर्थ। ठीक है, अब बारी बारी से बात करते हैं इननेट में क्या है और एक्वायर्ड में क्या है। देखो इननेट इम्यूनिटी की सिंपल सी ट्रिक है P2C2, इननेट इम्यूनिटी की सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई P2C2। अब ये P2 क्या है, P2 मतलब है फिजिकल, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, और C2 क्या है, सेलुलर साइटोकाइन। इननेट इम्यूनिटी की मैंने ट्रिक बताई P2C2, P2 मतलब फिजिकल फिजियोलॉजिकल, C2 मतलब सेलुलर साइटोकाइन। फिजिकल में आएंगी बॉडी की कवरिंग, बॉडी की आउटर कवरिंग जैसे कि स्किन, बॉडी की इनर कवरिंग जैसे कि म्यूकस। फिजियोलॉजिकल की मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, बॉडी की जो भी एसिडिक सिक्रीशन है, एसिडिक सिक्रीशन को डाल देना कहां, फिजियोलॉजिकल में। HCl, सलाइवा, है ना, HCl क्या है स्टमक में एसिडिक, सलाइवा क्या है एसिडिक, और टीयर्स यूरिन, यूरिन भी अपना एसिडिक है, और इसमें फीवर भी याद रख लेना। ठीक है, सेलुलर में क्या है, सेलुलर में अपनी सेल्स आ जाएंगी जैसे कि न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल क्या है फेगोसाइटिक मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स है, मैक्रोफेजेस है। ठीक है, और साइटोकाइन में आएंगे इंटरफेरोन, साइटोकाइन में आएंगे इंटरफेरोन। अभी बस इतना याद रख लो इंटरफेरोन यहां पे आएंगे, और इंटरफेरोन क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा, इंटरफेरोन कैंसर में अपना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर एक्वायर्ड। अब नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की, एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव, नाम से पता लग रहा है, एक्टिव मतलब हमने खुद बनाई, पैसिव मतलब हमें कहीं और से मिली, हमने खुद नहीं बनाई। अब देखो हमने खुद बनाई वो दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब हम नेचुरली खुद बनाई और आर्टिफिशियल मतलब हमसे बनवाई जाए, और पैसिव मतलब पैसिव भी दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल मतलब हमें नेचुरली किसी और से मिले और पैसिव मतलब हमें आर्टिफिशियली किसी और से मिले। अब एक्टिव नेचुरल की बात करते हैं, एक्टिव नेचुरल का मतलब है, एक्टिव मतलब हमने खुद बनाई, नेचुरल मतलब नेचुरली बने। फॉर एग्जांपल मेरे को जुकाम हो गया, फॉर एग्जांपल मेरे को जुकाम हो गया, तो उस जुकाम उस वायरस के खिलाफ मेरे अंदर नेचुरली एंटीबॉडी बन जाएंगी, कॉमन कोल्ड की, नेचुरल इंफेक्शन। ठीक है, और आर्टिफिशियल फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को कोरोना की वैक्सीन लगी, तो कोरोना की वैक्सीन किसलिए लगी, कि ताकि मैं कोरोना के खिलाफ, ताकि मेरी बॉडी कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए जाए ना, मेरी बॉडी खुद बनाए ना, बट वो आर्टिफिशियल है, मेरे से बनवाई गई, मेरे को वैक्सीन लगवा के, वैक्सीनेशन, टेटनस पोलियो। ठीक है, मैंने खुद बनाई बट मेरे से बनवाई गई, वैक्सीनेशन करवा के। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव, पैसिव मतलब किसी और से मिलेगी, ये बात तो क्लियर है, अब नेचुरली मिलेगी या आर्टिफिशियल मिलेगी वो देखते हैं। देखो नेचुरली कैसे, मदर से जो मिलती है ना, मदर के मिल्क में जो होती है, मदर से नेचुरली मिलती है, मैं कौन सी IgA जो कोलेस्ट्रॉल में होती है, मदर से मिली, नेचुरली मिली बिल्कुल। और आर्टिफिशियली फॉर एग्जांपल किसी को सांप काट गया, तो सांप काट गया उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो डॉक्टर्स क्या उसको एंटी वेनम लगाएंगे, हां किसी और से मिली, डॉक्टर से मिली तो पैसे होगी ना। और आर्टिफिशियल मतलब किसी को सांप नहीं काटता तो वो नहीं देनी पड़ती ना, बिल्कुल आर्टिफिशियल है, और मदर वाली तो सबको नेचुरली लेनी ही पड़ेगी ना, ये अपना इम्यूनिटी में। अब नेक्स्ट देखो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दो टाइप का होता है, एक ह्यूमोरल एक सेल मीडिएटेड। अब ह्यूमोरल नाम से ही पता लग रहा है, मतलब ये ब्लड में होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपको याद कितनी बातें रखनी है कि ह्यूमोरल में क्या बनती है, अपने पास एंटीबॉडी बनती है, और एंटीबॉडी कहां बनेंगी, ब्लड में बनेंगी, तो इसीलिए इसको बोल दिया हमने ह्यूमोरल बोल दिया। ह्यूमोरल जो रिस्पॉन्स होता है उसमें दो दो सेल्स का लेना देना होता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स क्या बनेंगी, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करेंगी, बी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करेंगी, और टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, बी लिम्फोसाइट्स की मदद करेंगी, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की मदद करेंगी एंटीबॉडी बनाने। ह्यूमोरल में क्या है, ब्लड में है पहली बात, दूसरी बात इसमें एंटीबॉडी बनेगी, तीसरी बात एंटीबॉडी कौन बनाएगा, बी लिम्फोसाइट बनाएगी, चौथी बात है टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट की मदद करेगी, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड में किसका मेन रोल है, टी लिम्फोसाइट्स का रोल है, और इसमें सबसे जो हिट क्वेश्चन, सुपर हिट क्वेश्चन है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन रिजेक्शन जैसा कुछ आ जाए, कि मान लो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो उसके उसमें किसका लेना देना होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का लेना देना होता है, यानी टी लिम्फोसाइट का लेना देना होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब देखो स्टेम की मॉडिफिकेशन तीन तरीके से हो सकती है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। नाम से ही पता लग रहा है अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, सब एरियल मतलब थोड़ा थोड़ा वो जमीन से बाहर आ रहे हैं, जमीन के अंदर भी है और थोड़ा हवा में भी है। ठीक है, और एरियल मतलब पूरे एयर में है, पूरे जमीन से बाहर हवा में है। ठीक है, तो इनको वन बाई वन अब कवर करते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, इसको कैसे याद करें, देखो इसमें ये चार अपने दिए हैं, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखो सबसे पहले टी पोर्ट, है ना, चाय का जो पोर्ट होता है टी पोर्ट, टी फॉर ट्यूबर, पोर्ट मतलब पोटैटो, मतलब ट्यूबर में आएगा पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन ऑन जमीन, मतलब कॉइन मतलब क्या होता है, कॉइन मतलब होता है सिक्का, है ना, एक रुपए का सिक्का या दो रुपए का सिक्का, वो जमीन पे पड़ा है, तो कॉइन से आया कॉर्म और जमीन से आया जमीकंद, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है गटर, गटर वो सीवे
सीवेज वाला गटर मान लो, जीटीआर गटर, ठीक है, जी से जिंजर, टी से टर्मरिक, आर से राइजोम, मतलब राइजोम में क्या आएंगे, जिंजर एंड टर्मरिक, ठीक है। ये अपनी क्या चल रही है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन चल रही है। नेक्स्ट है बल्ब। अब इसके एग्जांपल क्या है, अनियन एंड गार्लिक। इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा अनियन एंड गार्लिक कैसे दिखते हैं, एक बल्ब जैसे दिखते हैं। घर में जो बल्ब लगता है ना, जो पुराने टाइम पे येलो कलर वाले बल्ब होते थे, बिल्कुल ऐसे होते थे, तो इनकी शेप ही बल्ब की जैसी है, इसीलिए इनको रखा गया बल्ब में, है ना। और कमेंट्स में याद दिला देना कि ये बल्ब मेरे को वापस भी रखने हैं, नहीं मम्मी मेरे उड़ा देंगे। नेक्स्ट है सब एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। कौन से आते हैं इसमें, रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट, ठीक है। पहले इनके एग्जांपल्स को याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स कर लेते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। देखो रनर, रनर मतलब भागना, भागना कहां पे है, ग्रास पे, मतलब घास पे भागना है। और क्या खाके, स्ट्रॉबेरी खाके, स्ट्रॉबेरी खाके ग्रास यानी घास पे भागना है, रनर के हो गए ग्रास, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट स्टोलोन, स्टोलोन से याद आ जाएगा, स्टोल मतलब चुराया, चुराया क्या, चुराया मिंट यानी पुदीना, चुराया किसने, चुराया जैस्मिन ने, तो जैस्मिन ने पुदीना चुराया, जैस्मिन मिंट स्टोलोन, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है देखो बनाना शेक बना देना है ना, क्या करो बनाना शेक बना दो। अब हमें पता है बनाना शेक जो होता है वो पीने की चीज होता है, वो चबाने की चीज नहीं होता। बनाना शेक से याद आया बनाना, है ना, और पीने की चीज से याद आया पाइनएप्पल, और वो चबाने की मतलब क्राइसेंथिमम, C4 चबाना, C4 क्राइसेंथिमम, है ना, उसको हम चबा नहीं सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉ से, है ना, वो होती है ना स्ट्रॉ से सक करना पड़ेगा। बनाना शेक पीने की चीज नहीं है, चबाने की चीज है, तो उसको स्ट्रॉ से सक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट तो आप सिंपली आईशोरनिया तो सबने देखा ही होता है, और पिस्टिया भी आप एक बार गूगल पे भर के देखना। देखो ऑफसेट में क्या होती है, रोजेट हैबिट होती है, रोजेट हैबिट, रोजेट हैबिट सिंपली क्या होता है, आपने रोज देखा है, रोज का फ्लावर, तो उसमें पेटल्स देखे अपने, झुंड में गुच्छे में होती है, कुछ इस तरीके से होता है ऑफसेट में, ठीक है। चीजें क्या होंगी, झुंड में या गुच्छे में प्रेजेंट होगी, आप गूगल पे इनकी इमेज भर के देखना, आपको खुद ही ये याद हो जाएगा, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, टेंड्रिल्स हो सकते हैं, इसमें थॉर्न्स हो सकते हैं, इसमें फाइलोक्लेड हो सकते हैं, ठीक है। अब टेंड्रिल्स बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, सबने ककंबर, खीरा, पंपकिन, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज, ग्रेप वाइन्स, अंगूर, इन सब की आपने देखा होगी इनकी बेल होती है ना, बेल होती है, इनके कोई पेड़ नहीं होते, इनकी बेल होती है, तो उनमें टेंड्रिल्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। और थॉर्न्स, साइट्रस हो गया, बोगनविलिया हो गया, साइट्रस क्या है, नींबू का पेड़ लगा लो, उसमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, तो ये भी कोई याद करने वाली बात नहीं है। बोगनविलिया भी अगर आपने नहीं देखा, वैसे तो देखा ही होगा सबने, पर नहीं देखा तो आप गूगल पे भर के देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने एक्चुअली देखा हुआ है, और इसमें भी कांटे प्रेजेंट होते हैं। और फाइलोक्लेड, वैसे फाइलोक्लेड जो वर्ड है वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, पर फिर भी आपको ये याद रखना है। फाइलोक्लेड में क्या आते हैं, देखो इसमें क्या होता है, स्टेम, हम क्या कर रहे हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन करते हैं, इसमें क्या होता है, स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, P4 फाइलोक्लेड, P4 फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या है, स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगी, और किसमें होगा, अपेंशिया में एंड यूफोरबिया में। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जो अपेंशिया होता है वो फ्लैट होता है, और यूफोरबिया होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। मैं तो इसको ऐसे याद रखता है, यू, यू मतलब यू घूम गया, घूम गया मतलब ये सिलेंड्रिकल है, और अपेंशिया क्या है, फ्लैट है, ठीक है। यू घूम गया मतलब वो सिलेंड्रिकल है, अपेंशिया फ्लैट है, ये एनसीईआरटी में इसको भूलना नहीं है। टाइप्स ऑफ लीव, टाइप्स ऑफ लीव, ठीक है, कौन से, दो टाइप की होती है, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव, ठीक है। सिंपल लीव तो बिल्कुल सिंपल, ऐसे जो हमने रेटिकुलेट में ही ड्रॉ की थी, बिल्कुल सिंपल ऐसे। और कंपाउंड अब दो टाइप की हो सकती है, पिनेट कंपाउंड या पामेट कंपाउंड, ठीक है। पिनेट कंपाउंड का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है नीम, और पामेट का एग्जांपल दिया हुआ है सिल्क कॉटन। अब पिनेट कैसी होती है, पामेट कैसी होती है, मेरे ख्याल से आप देख के ही इसको, डायग्राम देख के आप समझ जाओगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। पिनेट में छोटी 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 लीफलेट्स निकली हुई है, और पामेट तो जैसे एक पॉइंट से बहुत सारी लीव्स निकल गई, ठीक है। देखो हमारे पास तीन टाइप की फाइलोटैक्सी थी, एक अल्टरनेट, एक ऑपोजिट और एक वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रिक है, देखो हमें पता है चाइना जो है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाता है, मतलब जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका एक सस्ता अल्टरनेट बना देता है, एक डुप्लीकेट, ठीक है। तो चाइना मेड सस्ते अल्टरनेट्स, ठीक है, चाइना से चाइना रोज, मेड से मस्टर्ड, सस्ते से सनफ्लावर, और अल्टरनेट से अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट है देखो, आप जब
डीएनए पढ़ते हो ए टी जी सी, तो जी के ऑपोजिट क्या होता है, सी होता है, जी के ऑपोजिट सी, है ना, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, और जी से गवावा और सी से कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है व्हील ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का व्हील है ना, आपने देखा एरोप्लेन्स में क्या होता है, जो व्हील होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है, व्हील से वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किसमें होते हैं, एल्यूमिनियम से याद आ जाएगा, एल्स्टोनिया में होती है, ठीक है। तो एस्टिवेशन के एग्जांपल्स को याद करना, देखो अपने पास एस्टिवेशन कितने टाइप की आई, वेल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। अब इनके एग्जांपल्स को कैसे याद करें, सबसे पहले वेल्वेट, देखो वेल्वेट जो वर्ड है उसमें एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, तो इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या है, कैलोट्रोपिस, तो कैलोट्रोपिस में भी क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, सीधा सीधा याद हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि ब्रिंजल में भी तो एल्यूमिनियम आ रहा है, तो उसका क्या करेंगे, तो टेंशन मत लो, ब्रिंजल भी वेल्वेट में ही आता है, आपका ये कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है देखो चाइनीज भिंडी, चाइनीज भिंडी जो होती हैं वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती हैं, चाइनीज भिंडी जो होती हैं वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती हैं, चाइनीज से आया चाइना रोज भिंडी यानी लेडी फिंगर, सॉफ्ट से याद आ जाएगा कॉटन और ट्विस्टेड से ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या आएंगे, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। अब देखो आप कॉलेज में पढ़ोगे है ना, आप आगे जाके कॉलेज में पढ़ोगे और आप कॉलेज में पॉपुलर हो जाओगे, तो आप खुद को क्या बोलोगे, आई एम ए कॉलेज गाय एंड आई एम ए वेरी पॉपुलर, ठीक है, आई एम ए कॉलेज गाय एंड आई एम वेरी पॉपुलर, आई एम कॉलेज गाय, आई एम से याद आएगा इम्ब्रिकेट, कॉलेज से याद आया केजिया, गाय से गुलमोहर और वेरी पॉपुलर से वेक्सिलरी और पॉपुलर से पेपिलिनियोसी फैमिली, मतलब वेक्सिलरी जो एस्टिवेशन है वो किसमें होती है, पेपिलिनियोसी फैमिली में होती है। अब देखो फ्लावर में हम कैलाइक्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं, कोरोला हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे एंड्रोइशियम, और एंड्रोइशियम के बाद क्या है, गाइनोइशियम, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखो प्लेजेंटेशन के एग्जांपल्स को कैसे याद करें, देखो हमारे पास प्लेजेंटेशन कौन सी थी, मार्जिनल थी, और कौन सी थी, पेराइटल थी, और कौन सी थी, फ्री सेंट्रल थी, और बेसल थी, और एक्साइल थी, ठीक है। देखो सबसे पहले मार्जिनल, एम फोर मार्जिनल, एम फोर मटर, एम फोर मार्जिनल, M4 मटर, मटर मतलब P, तो मार्जिनल होगी P में। नेक्स्ट है पेराइटल, देखो परिणीति और अर्जुन कपूर, परिणीति और अर्जुन कपूर की मूवी आई मस्ती जादे, परिणीति से पेराइटल, अर्जुन से अर्जिमोनी, मस्ती जादे से मस्टर्ड हो गया, तो पेराइटल किसमें, अर्जिमोनी और मस्टर्ड में। नेक्स्ट है पीडीएफ, फ्री सेंट्रल की कैटेगरी है पीडीएफ, सिंपल जो पीडीएफ फॉर्मेट होती है ना, पी से प्राइमरोज, डी से डायंथस, एफ से फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट है बेसल, देखो इस पूरी दुनिया का बेस जो है, इस पूरी दुनिया का बेस जो है वो कौन बना रहे, सूरज और चांद, है ना, और तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब कुछ तो ऐसे ही है फालतू का, है ना, इस पूरी दुनिया का बेस कौन बना रहे हैं, सन एंड मून, सूरज और चांद, बेस से बेसल, सन से सनफ्लावर, और मून, एम फॉर मून, ये इससे आ जाएगा मैरीगोल्ड याद आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्साइल, एक्साइल किसमें होती है, साइट्रस में होती है, साइट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो आपने नींबू काटा होगा, आपने ऑरेंज काटा होगा, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ऑरेंज जब आप काटते हो, नींबू काटते हो, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना, ये ऑटोमेटिक है, कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले है सोलेनेसी फैमिली, ठीक है, इसको कैसे याद करना है, देखो सोलन आपको पता है हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है सोलन, आप नेट पे आप चेक भी कर सकते हो, तो सोलन का जो आशीष था, सोलन का रहने वाला था आशीष, तो आशीष ने क्या किया, वो आलू बैंगन, आलू बैंगन की सब्जी खाके सिगरेट यानी टोबैको पीने गया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो आलू बैंगन खाके जो सिगरेट पीने गया, इससे क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हो गया, पेट या बैली मान लो ना, पेट या बैली में दर्द हो गया, तो सोलन का आशीष जब आलू बैंगन की सब्जी खाके टोबैको यानी सिगरेट पीने गया, तो उसके पेट या बैली में दर्द हो गया, ठीक है। अब देखो सोलन से है सोलेनेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस चीज की ट्रिक है, ये भी इन्वॉल्व करो हमेशा ट्रिक में, ठीक है, तो सोलन से याद आएगा कि ये ट्रिक है सोलेनेसी फैमिली की। आशीष से क्या है, अश्वगंधा, आलू बैंगन, अब आपके घर में जब आलू बैंगन की सब्जी बनती है तो उसमें क्या क्या डलता है, देखो आलू बैंगन है तो आलू यानी पोटैटो डलेगा, बैंगन यानी ब्रिंजल डलेगा, और क्या डलता है, टमाटर यानी टोमेटो डलते हैं, मिर्च तो डलेंगी सब्जी में, चिल्ली हो गई, ठीक है। अब सिगरेट टोबैको से आ जाएगा डायरेक्ट टोबैको, पेट या बैली से, देखो पेट से पेट्यूनिया
और बेली से आ गया बेलाडोना, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है लिलियसी फैमिली, ठीक है। देखो इसकी भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देखो लिली किसी लड़की का नाम है, लिली किसी लड़की का नाम है और लिली के लिप्स पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे, लिली के लिप्स पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि वो लिप्स पे एलोवेरा अप्लाई करती थी, एलोवेरा एक नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है आपको पता ही है, ठीक है। लिली के लिप्स कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे क्योंकि वो एलोवेरा अप्लाई करती थी, तो लिली से आया लिलियसी फैमिली, मतलब ये ट्रिक है लिलियसी फैमिली की। और लिप्स से आया ट्यूलिप, है ना, इसमें आ रहा है ना लिप, लिप से आया ट्यूलिप, कॉलेज से कोल्चिसिन, ग्लो से ग्लोरियोसा, एलू से एलोवेरा और अप्लाई से आया एस्पेरेगस, ठीक है। अब नेक्स्ट फैमिली है फिबेसी फैमिली। देखो जो प्योर इंडियन फैमिलीज होती है ना, आपने देखा होगा इंडियन फैमिलीज में समोसे तो बहुत सारे खाते हैं ना लोग, समोसे बहुत खाते हैं, तो प्योर इंडियन फैमिली वही है जो लगभग लगभग 3 समोसे तो खाती ही है एक दिन में, ठीक है। तो प्योर इंडियन फैमिलीज ईट्स 3 समोसा डेली, लगा लेना डेली से याद रख लेना, प्योर इंडियन फैमिलीज ईट्स 3 समोसा डेली। अब प्योर से आया पल्सिस, इंडियन से आया इंडिगो, फैमिली से आया फेबेसी, मतलब ये ट्रिक है फेबेसी फैमिली की। इट्स 3 का मतलब ट्राई, 3 मतलब ट्राई, मतलब ट्राइफोलियम। SMS समोसा है ना, S से आया सेस्बियाना, M से आया मुलेटी और S से आया सनहैम। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज के NCERT में 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, साइकोन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। तो दो तो इसके नाम से ही हो जाएंगे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में आए स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया और S फॉर स्पॉन्ज और S फॉर साइकोन, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। देखो आप बायो के स्टूडेंट हो तो मेरे को भी पता है आपको फिजिक्स करने में कितनी दिक्कत होती होगी। तो देखो आप जब फिजिक्स करते हो तो आप दो चीजें यूज करते हो, अपना ब्रेन और जिसे लिखते हो वो पेन, ब्रेन और पेन, पर इससे बात बनती नहीं है। तो हमें जरूरत पड़ेगी गॉड की, भगवान की, गॉड की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के लिए। तो यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है। देखो कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर सकता, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर सकता, उसको गॉड की भी जरूरत पड़ेगी। तो कोई से हमारे पास आया सिलेंट्रेटा और आदमी से एडमसिया, फिजिक्स से फिसालिया, ब्रेन से ब्रेन कोरल और से ओरिलिया, पेन से पिनेटुला और गॉड से गोरगोनिया। नेक्स्ट है टीनोफोरा। टीनोफोरा में आपको कुछ याद नहीं करना, इसके नाम से ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो टीनो से हमें याद आया टीनोप्लाना और फोरा के पी से हमें याद आया प्लूरोब्रेकिया। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथिस। देखो प्लेटी हेलमिंथिस से हमें याद आएगा प्लेट, और प्लेट में हम क्या खाते हैं, फूड, और फूड दिन में कितनी बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, मतलब 3 बार प्लेट में हम फूड खाते हैं 3 बार। तो प्लेट से हमारे पास आया प्लेटी हेलमिंथिस और फूड से हमारे पास आया फेसियोला और टीन से हमारे पास आया टीनिया। नेक्स्ट एसके हेलमिंथिस। तो देखो अगर आप एनसीईआरटी में एसके हेलमिंथिस को देखते हो तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हुक जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, और ये हुक की शेप कैसी है, थोड़ी राउंड राउंड सी है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है राउंड शेप का हुक, तो हमें क्या करना है, ये बीच में खाली है, हमें इसको फिल कर देना है। तो हमने क्या किया, राउंड शेप का हुक था हमारे पास जो बीच में खाली था, हमने उसको फिल कर दिया। तो राउंड शेप का हुक था उसको हमने फिल कर दिया। तो राउंड से हमारे पास आया राउंड वर्म और हुक से हमारे पास आया हुक वर्म और फिल से हमारे पास आया फिलारिया वर्म। और राउंड शेप का हुक कहां पे दिया हुआ था, एनसीईआरटी में डायग्राम जो था वो दिया हुआ था एसके हेलमिंथिस में। तो ये एग्जाम्पल हो गए एसके हेलमिंथिस के। नेक्स्ट एनेलिडा। बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो एक नर ने नारी के साथ फेरे लिए, एक नर मतलब एन नर और उसने नारी के साथ फेरे लिए। अब एन से हमारे पास आया एनेलिडा और नर से हमारे पास आया नाइरिस और नारी से हमारे पास आया हिरुडिनेरिया और फेरे से हमारे पास आया फेरेटिमा।
नेक्स्ट है अर्थ्रोपोडा। देखो अर्थ्रोपोडा में तो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें तो ऑटोमेटिक है, ट्रिक बनी बनाई है। देखो एनसीईआरटी में अर्थ्रोपोडा के जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। मतलब सिंपली आप एक एक को गूगल पे डाल के देख लो कि उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं। सिंपल है, अगर किसी को उनके हिंदी मीनिंग नहीं पता तो उनको हिंदी में डाल के देख लो आप कि उनको क्या बोलते हैं। तो सिंपल है, आपके घर में जो भी या घर के आसपास जो भी कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी तितली टिड्डी जो भी पाई जाती है सबको डाल दो अर्थ्रोपोडा में। यही इसकी सिंपल सी ट्रिक है, एक बार इसको अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट है मोलस्का। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, एक मोल है और उस मोल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं। एक मोल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं और एप्पल को हम कैसे चबाते हैं, दांत से। तो एप्पल को हम दांत से चबाते हैं। तो मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं और उन एप्पल को हम दांत से चबाते हैं, ठीक है। तो मोल से हमारे पास आया मुलस्का, मतलब ये ट्रिक है मुलस्का के लिए। और सितंबर से हमारे पास आया सेपिया, अक्टूबर से आया ऑक्टोपस, पिंक से आया पिंक टाडा, एप्पल से हमारे पास दो आए एप्पल स्नेल और एप्लीजिया, और दांत से हमारे पास आया डेंटेलियम और चबाते से आया केटोप्लूरा। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। अब देखो सबको पता है कि जो बायो की इकोलॉजी यूनिट है वो फिजिक्स की ऑप्टिक से आसान है। बायो की इकोलॉजी फिजिक्स की ऑप्टिक से आसान है। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इकोलॉजी ऑप्टिक से आसान क्यों है, यही अपनी ट्रिक है सिंपल सी। देखो इकोलॉजी ऑप्टिक से आसान क्यों है। अब इकोलॉजी से हमारे पास आया इकाइनस और इकाइनस हमें याद दिला देगा ऑटोमेटिकली कि ये ट्रिक है इकाइनोडर्मेटा की, तो उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो इकोलॉजी से हमारे पास आया इकाइनस, ऑप्टिक से हमारे पास आया ओफ्यूरा, ए आसान है, आसान के ए एस से हमारे पास आया एस्ट्रियाज, और ए एन से हमारे पास आया एंटेडन, और क्यों है सी यू से हमारे पास आया क्यूक्यूमेरिया। नेक्स्ट हेमिकोर्डेटा। तो देखो ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, सबको पता है ये बात सिंपल है। ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, तो ह्यूमंस से हमारे पास आया हेमिकोर्डेटा और बालों से हमारे पास आया बेलेनोग्लोसस और सरसों से हमारे पास आया सेक्कोग्लोसस। नेक्स्ट यूरो कोर्डेटा। तो देखो सबको पता है यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर है, ठीक है। यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है, यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर। तो यू से हमारे पास आया यूरो कोर्डेटा और एस से हमारे पास आया साल्पा, ए से हमारे पास आया एक्सीडिया और डॉलर से हमारे पास आया डोलियोलम। नेक्स्ट है सिफेलो कोर्डेटा। तो देखो इसमें जो ये वर्ड है सिफेलो, इसका मीनिंग क्या होता है, अभी आप ये गूगल पे अभी जाके चेक भी करना, ठीक है। सिफेलो का मतलब होता है हेड रीजन, जो ब्रेन का रीजन होता है, ठीक है। तो यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है कि सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन का रीजन, सिफेलो मतलब ब्रेन। तो सिफेलो से हमारे पास आया सिफेलो कोर्डेटा और ब्रेन से हमें याद आ जाएगा ब्रेंकियोस्टोमा। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा। तो देखो साइक्लोस्टोमेटा वर्ड से हमें याद आना चाहिए साइक्लोन, साइक्लोन मतलब चक्रवात। तो साइक्लोन आता है, आपको भी पता है क्या होता है, जितने भी एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स हैं वो सारे मिक्स हो जाते हैं जब साइक्लोन आता है, ठीक है। बस इतनी सी सिंपल सी ट्रिक है। देखो साइक्लोन क्या करता है, मिक्सिज पार्टिकल्स, साइक्लोन मिक्सिज पार्टिकल्स। साइक्लोन से हमारे पास आया साइक्लोस्टोमेटा, मिक्सिज से हमारे पास आया मिक्सिन और पार्टिकल से हमारे पास आया पेट्रोमाइजोन। अब नेक्स्ट देखो, देखो एनसीईआरटी में फिश दो ही टाइप की दी हुई है, एक कॉन्ड्रिक्थीज और एक ऑस्ट्रिक्थीज। तो अगर हम सिंपली ये याद कर लें कि कॉन्ड्रिक्थीज के अंडर कौन सी फिश आती है तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं आती वो चली जाएंगी ऑस्ट्रिक्थीज में। तो कॉन्ड्रिक्थीज हम याद कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो क्रिमिनल को कहाँ रखा जाता है, जेल में, जेल मतलब प्रिजन। तो क्रिमिनल को रखा जाता है प्रिजन में, तो सी फॉर क्रिमिनल, सी फॉर कॉन्ड्रिक्थीज। अब प्रिजन को पकड़ लेते हैं, देखो प्रिजन में प्री से हमारे पास आया प्रिस्टिस, प्री से हमारे पास आया प्रिस्टिस, और प्रिजन का लास्ट वर्ड है ओन, मतलब जिस भी फिश के पीछे ओन आया वो सारी जाएंगी कॉन्ड्रिक्थीज में, जैसे कि स्कोलियोडोन, कैरकेरोडोन और ट्राइगोन। तो ये कॉन्ड्रिक्थीज फिश होगी हमारे पास चार जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। अब इससे अलग जो भी बची वो सारी जाएंगी ऑस्ट्रिक्थीज में।
नेक्स्ट है एम्फीबिया। तो देखो एम्फीबिया के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, एक बंदा था बूफो राणा, एक बंदा था जिसका नाम था बूफो राणा, और वो कहाँ का था, वो था हरियाणा का। तो बूफो राणा कहाँ का था, हरियाणा का, और उसको समंदर देखने की बहुत इच्छा थी। तो बूफो राणा था हरियाणा का और उसको समंदर देखने की इच्छा थी। तो बूफो से हमारे पास आया बूफो, और राणा से हमारे पास आया राणा, और हरियाणा से हमारे पास आया हाइला, और समंदर से हमारे पास आया सेलमेंदर, और इच्छा से हमारे पास आया इक्तियोफिश। अब नेक्स्ट एम्फीबिया के बाद हमारे पास बचते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। देखो इनके एग्जाम्पल्स को मैं ट्रिक्स की हेल्प से याद करने की एडवाइस कभी भी नहीं दूंगा। अभी आपको ये लगे कि यार इससे ट्रिक बनी नहीं होगी, बहाना लगा रहे हैं, तो कुछ भी है वो भी मेरे को एक्सेप्टेड है, आप कमेंट में खुल के बोल सकते हो। पर दिक्कत ये है, अगर आप इस चीज की भी ट्रिक लगा रहे हो कि जो तोता, चिड़िया, कौवा ये बर्ड्स में आते हैं, इसको भी आप ट्रिक से याद कर रहे हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम मोनेरा से। जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे वैसे चलेंगे, एक एक वर्ड एक एक लाइन बिल्कुल साथ में रहना, ठीक है। देखो मोनेरा के बारे में पहली ही लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, पहली लाइन। दूसरी लाइन कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल क्लियर है दोनों लाइन। अब ये शेप्स दी हुई है बैक्टीरिया की, कोकस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, बेसिलस कैसी होती है, रोड शेप्ड होती है, विब्रियम कैसी होती है, कोम्मा शेप, और स्पाइरेलम स्पाइरल। बिल्कुल एक एक चीज को साथ में याद करते हुए चलेंगे, बाद के लिए छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में आप पहरा लाइंस पढ़ने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैंने इस तरीके से डिवीजन किया है, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर होगा। देखो मैं जान जान के बोलता हूं बार बार एनसीईआरटी, ताकि आपका थोड़ा फोकस बने, ध्यान बने। देखो बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी अपना खाना खुद बनाएंगे, और हेटरोट्रॉफिक मतलब वो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक और मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, मतलब एक एक लाइन अपनी कवर है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक में भी दो ऑप्शन बनते हैं, या तो फोटोसिंथेटिक हो या कीमोसिंथेटिक हो। देखो फोटो सिंथेटिक का मतलब होता है सिंपल बनाना, सिंथेटिक का मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, फोटो मतलब लाइट का यूज करके बनाना, मतलब खाना बनाना, और कीमो सिंथेटिक मतलब कीमो मतलब केमिकल रिएक्शंस, और सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस मतलब केमिकल रिएक्शंस का यूज करके फूड का सिंथेसिस करना। अब केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है कौन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ, जैसे नाइट्रेट्स की ऑक्सीडेशन, नाइट्राइट्स की ऑक्सीडेशन, अमोनिया की ऑक्सीडेशन, इस तरीके की केमिकल रिएक्शन में कीमोसिंथेटिक में होती है, क्लियर बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक लाइन ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसको भूल मत जाना, मैं फिर से बोल रहा हूं, 5 स्टार 10 स्टार लगा लो, लिखी हुई है। एज ए ग्रुप बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है ना, एज ए ग्रुप बैक्टीरिया की है ना, बैक्टीरिया की मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, क्लियर बात है। अब एक नेक्स्ट चलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया के, जो आर्की बैक्टीरिया का एनसीईआरटी में एक पैरा दिया हुआ है, उसको एक ही पैरा में निपटा देते हैं, एक एक लाइन पूरी कवर होगी। आर्की बैक्टीरिया की खास बात क्या है, लिव इन हार्श हैबिटेट, मतलब ये हार्श हैबिटेट मतलब जहां पे पूरी एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, वहां पे रहते हैं। और ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है, इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर थोड़ी खास होती है, इसलिए ये हार्श हैबिटेट, हार्श कंडीशन को झेल पाते हैं। अब हार्श कंडीशन तीन टाइप की बात की गई है, कि हेलोफाइल्स मतलब जहां बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन होगी, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो से याद आ जाएगा हॉट स्प्रिंग, जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, और मिथेनोजींस मतलब जो मार्शी एरिया में रहेंगे, मतलब जहां मिथेन रिलीज होती है वहां पे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया कि बहुत सारे रूमिनेंट्स जैसे कैटल, बफेलो, उनके गट में एक बैक्टीरिया होता है आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजीन, ये मिथेनोजीन। अब मिथेनोजीन क्या करता है, वो बायोगैस या मिथेन की प्रोडक्शन करता है ना, कहां से, फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल, मिथेन या बायोगैस की प्रोडक्शन करता है।
है, ठीक है। अब देखो जो ब्लू ग्रीन एलगी दिया हुआ है, मैंने ये एनसीईआरटी से, फिर से वही बात है, बजट फुल है अपना, है ना, और एनसीईआरटी से ये कटिंग की है और ब्लू ग्रीन एलगी को इसी में खत्म करेंगे। जो भी एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है पूरा इसमें मैंने कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ब्लूम, मतलब ब्लू ग्रीन एलगी वॉटर बॉडीज में ब्लूम की फॉर्मेशन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कहां होगी, देखो ये अलग सी सेल दिख रही है आपको, ये क्या है, हेटरोसिस्ट, हेटरो मतलब डिफरेंट, हेटरो मतलब डिफरेंट, मतलब बाकी सेल से जो डिफरेंट सेल है वहां पे होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एग्जांपल भी दिए मैं कौन से, ये डायग्राम वैसे नोस्टोक है पर दो एग्जांपल याद रखना इसमें, नोस्टोक एनाबिना, क्लियर बात है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक, मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कैसे करते हैं, तो मैंने ये ड्रॉ किया, ये जानबूझ के लिखा मैंने ए ए ए ए, मतलब इनमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है प्लांट्स के, जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है प्लांट्स के, तो ये फोटोसिंथेसिस वाला भी अपना पॉइंट क्लियर है। अब एक और पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इनके अराउंड ब्लू ग्रीन एल्गी के चारों तरफ क्या होती है, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस बोल लो, म्यूसिलेजिनस शीत होती है, ये ब्लू ब्लू कलर की जो शीत सी दिख रही है ना, सिंपल सा ही है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका एक भी पॉइंट नहीं बचा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपने क्या दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया दिया हुआ है और एक माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है। तो पहले करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, है ना, जो जो लिखा हुआ है इससे अलग आपको एक भी पॉइंट मिलेगा ही नहीं एनसीईआरटी में। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, क्लियर बात है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, मतलब ऐसा कुछ है कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है बाहर और हम रजाई ओढ़ के लेट गए आराम से और इतने ठंड नहीं चली जाती, इतने हम रजाई ओढ़ के पड़े हैं बस, तो इसी तरीके से अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक लाइन लिखी है, देखो आपको पीएचडी करनी है तो आप एक्स्ट्रा किताबों से कितना भी पढ़ सकते हैं, पर मेरा यह मानना है कि एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, ठीक है। मैं बार बार एनसीईआरटी इसलिए बोलता हूं कि एनसीईआरटी से ही लगभग लगभग पूरा पेपर आता है और हम एक्स्ट्रा किताबों में घुस जाते हैं ना तो हमारा वो फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम खराब हो जाता है, है ना। बायो में तो आप मान लिया 5-10 नंबर बढ़ा लोगे फालतू की किताबें पढ़ के, पर वो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 50-60 कट जाएंगे, तो इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और इधर माइकोप्लाज्मा, अब मोनेरा हम खत्म करने जा रहे हैं, ये लास्ट है माइकोप्लाज्मा, मोनेरा के बाद हम चलेंगे कहां, प्रोटिस्टा में। माइकोप्लाज्मा के बारे में ये चार ही पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, पहला पॉइंट सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, दूसरा पॉइंट स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, तीसरा पॉइंट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैनी मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। देखो एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो याद करने वाला पार्ट है हम इस वीडियो में कर रहे हैं और जो समझने वाला पार्ट है वो पार्ट टू में करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास दो टाइप से आ सकते हैं, या तो होंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या होंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल किटोन यूरिया एंड थैलेसीमिया, ठीक है, ये क्लियर है। अब क्रोमोसोमल में कौन से आएंगे, डाउन सिंड्रोम, केलाइन फेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। अब ये कैसे याद करेंगे, इसकी मैं सिंपल सा एक मेथड फंडा बता दूंगा, है ना, आप इनको इंटरमिक्स नहीं करोगे, उससे सिंपल सा तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कौन से आ रहे हैं एनसीईआरटी में, अगर आप देखो तो जो डायग्राम दिए हुए ना, आपको डाउन सिंड्रोम में एक छोटे बच्चे का डायग्राम मिलेगा, केलाइन फेल्टर सिंड्रोम में आपको एक मेल का डायग्राम मिलेगा, टर्नर सिंड्रोम में एक फीमेल का डायग्राम मिलेगा। तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि जो इस पूरे को मिला दो, जिस भी डिसऑर्डर में ह्यूमन का डायग्राम दिया हुआ है, चाहे वो बच्चे का है, चाहे वो मेल का है या फीमेल का है, यानी एक इंसान का डायग्राम जिसमें भी दिख जाए, उसको सीधा सीधा किस में डाल दो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाल दो। ये सिंपल सा फंडा अपना हो गया, और बाकी के बच्चे कौन से आ जाएंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो भी दो टाइप से हो सकते हैं, या तो सेक्स लिंक्ड होंगे या क्या होंगे, ऑटोसोमल लिंक्ड होंगे, ठीक है, या तो सेक्स लिंक्ड होंगे या ऑटोसोमल लिंक्ड होंगे, ठीक है, ये होगी अपनी पहली बात। दूसरी बात, मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव, ठीक है। मैंने पहली बात क्या बोली, क्या मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल लिंक्ड, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि मेंडेलियन डिसऑर्डर फिर से दो टाइप के हो सकते हैं, रिसेसिव या डोमिनेंट, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, एसएलआर मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, और एएलआर
आर मतलब ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, लगभग जो अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए सारे रिसेसिव ही हैं, सारे रिसेसिव हैं, ठीक है, डोमिनेंट दिया नहीं हुआ, है ना। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। हीमोफीलिया कैसा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया कैसा, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। थैलेसीमिया कैसा, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। ये अपनी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैंने इसी चार्ट में यहां पे कवर कर दिया, ठीक है। क्रोमोसोमल में हम ऐसी कोई भी बात नहीं करते, सेक्स लिंक्ड या रिसेसिव वाली ऐसी कोई बात नहीं करते, ठीक है। ये कवर है अपना। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया कैसे, एसएलआर, एसएलआर यानी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। बाकी के ऐसे एएलआर यानी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। अब हम क्या है इन पे बारी-बारी से बात करने वाले हैं, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, हीमोफीलिया में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है। मैं फिर से याद करा दूं कि हम जो लर्न करने वाला, याद करने वाला पोर्शन है इस वीडियो में करेंगे, जो भी समझने वाला पोर्शन है इनके बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये मत बोलना कि ये नहीं करा है, वो हम समझने वाला नेक्स्ट में करेंगे। सबसे पहले क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कलर ब्लाइंडनेस कैसी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, दो कलर को डिफरेंशिएट करने में कंफ्यूजन हो जाती है। कौन से कलर, रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है, रेड एंड ग्रीन कलर। अब देखो कलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग, कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग। देखो रंग है ना, ऐसे याद कर लेना, रंग, आर फॉर रंग में आ रहे हैं ना, दोनों आ रहे हैं, आर भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, रंग, ठीक है। रेड और ग्रीन कलर में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, कलर ब्लाइंडनेस होता क्यों है, तो देखो यहां से ही याद कर लेना, इसको सेक्स लिंक्ड है, मतलब सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोजोम का लेना देना है, ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन ऑफ एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम के जीन में म्यूटेशन की वजह से ये होता है। अब एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि 8% मेल्स में ये पाया जाता है और 0.4% फीमेल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो समझने की चीजें हम वो पार्ट टू में करेंगे। नेक्स्ट अपनी कौन सा डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखो यहां पे देखो बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके नाम से समझेंगे। देखो हीमो मतलब ब्लड है ना, हीमो किसके लिए यूज होता है, ब्लड के लिए यूज होता है, और फीलिया मतलब लव है ना, आपने सुना होगा, लायोफिलिक, लायोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो फिलिक मतलब लव और फोबिक मतलब डर, फियर, ठीक है। तो फीलिया मतलब लव, ठीक है, ब्लड के लिए लव। तो ब्लड के लिए लव किसको होगा, है ना, सिंपल सी बात है, पता ही लग गया आपने को कि यहां पे क्लोटिंग डिफेक्ट है ना, किसी को ब्लड से प्यार है मतलब उसका खून बहने से रुकेगा ही नहीं, है ना, उसकी क्लोटिंग में गड़बड़ी है, इससे आपको आइडिया लग गया। अब होता क्या है, इसमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन प्रोटीन के साथ क्या हो जाती है, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अब उन प्रोटीन के साथ गड़बड़ी हो गई तो ब्लड क्लोटिंग में क्या आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी। ब्लड क्लोटिंग में जब गड़बड़ी आएगी तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, मतलब एक बार खून बहने लग गया तो रुक ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि क्लोटिंग में गड़बड़ी आ गई, सिंपल सी बात है ना। तो खून बहने से रुक ही नहीं पा रहा तो सिंपल सी बात है उस बंदे को क्या होगा, ब्लड से प्यार होगा, ब्लड से प्यार होगा, ये अपना हीमोफीलिया है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया पे। फिनाइल कीटोन यूरिया, देखो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे ही इसको समझेंगे। देखो एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानिन, ठीक है, मैं फिर इसे रिपीट करता हूं, एक अमीनो एसिड अपने पास है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन जो है इसको एक एंजाइम किसमें कन्वर्ट कर देता है, टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल यानी हेल्दी यानी स्वस्थ कंडीशन में इस फिनाइल एलानिन को एक एंजाइम होता है जो इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, ये तो नॉर्मली होना चाहिए। बट फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होगा, ये डिसऑर्डर अगर किसी को हो जाए तो क्या होगा, ये एंजाइम उसमें कम हो जाएगा, है ना। इस एंजाइम की कमी की वजह से फिनाइल एलानिन जो है, देखो लैक ऑफ एंजाइम मतलब ये एंजाइम अपना गड़बड़ी आ गई, ठीक है। फिनाइल एलानिन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पाइरूवेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो होना किसमें चाहिए था, टायरोसिन में, बट इस डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा, एंजाइम की कमी की वजह से, लैक ऑफ एंजाइम, ठीक है, मतलब एंजाइम की अब्सेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पाइरूवेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिनाइल पाइरूवेट एसिड जो होता है वो एक फिनाइल कीटो एसिड होता है, फिनाइल कीटो एसिड होता है, और इसी की वजह से इस डिसऑर्डर का नाम क्या पड़ गया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ना फिनाइल कीटो एसिड, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही होना चाहिए कि इसको हम एनीमिया क्यों बोलते हैं। देखो नॉर्मली एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, है ना। सीधे शब्दों में एनीमिया मतलब खून की कमी, हाँ, या बोलो हीमोग्लोबिन की कमी। देखो नॉर्मली आरबीसी कैसी होती है, ऐसी होती है बाय कनकेव शेप, है ना। आपको पता है ना आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाय कनकेव। देखो ये एक कनकेव शेप है और ये एक कनकेव, ना, बाय कनकेव, सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों होता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या है हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके, और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करेगा, फिर ऑक्सीजन कैरी करेगा, है ना। बाय कनकेव है, हीमोग्लोबिन की फिटिंग एक तरह से फिट हो रहा है इसमें, सिंपल सी इतनी बात है। ठीक है, तो अगर ये आरबीसी, अगर ये आरबीसी सिकल शेप होता है ना, ये आरबीसी अगर सिकल शेप हो जाए, सिकल आपने देखा है, सिकल शेप मतलब जैसे वो जिससे गेहूं काटते हैं ना, आपने खेतों में देखा होगा किसान जिससे गेहूं काटते हैं उसको हम बोलते हैं सिकल शेप। ठीक है, तो ये अगर ऐसी हो जाए तो ये हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाएगी, है ना। जितना हीमोग्लोबिन अभी कैरी कर रही थी उतना नहीं कर पाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, बॉडी में कमी हो जाएगी, और उसी लिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया मतलब आरबीसी जो है वो सिकल शेप हो चुकी है, तो मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, एक तरीके से खून की कमी हो रही है, या बोलो नॉर्मल आरबीसी की कमी हो रही है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया एनीमिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन जो बनता है, जहां पे कंफ्यूजन होती है, वो ये है ना, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलाइन एट सिक्स्थ पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ग्लूटामिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन हो गई किसने की, वैलाइन ने की, है ना, वैलाइन ने की, कहां पे की, सिक्स्थ पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेन। अब इसकी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, आप पक्का इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट किया था या ग्लूटामिक एसिड ने सब्स्टिट्यूट किया था, इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो, एक क्रिकेट का प्लेयर था गौतम गंभीर, सबको पता है गौतम गंभीर, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, जी फॉर गौतम गंभीर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक क्रिकेट का बहुत फेमस प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, वी फॉर वैलेन, वी फॉर वीरेंद्र सहवाग, इतनी बातें अपनी क्लियर है। अब सिक्स्थ पोजीशन मतलब सिक्स, मतलब सिक्सेस मारने हैं, मतलब छक्के मारने हैं ना, क्रिकेट में आपको पता ही ना सिक्स मारने होते हैं, छक्के मारने होते हैं। अब सिंपल सी बात है, सबको पता है कि वीरेंद्र सहवाग जो था वो ज्यादा सिक्स मारता था, वो ज्यादा छक्के मारता था। ठीक है, अब देखो अपनी टीम में, अपनी टीम में कौन सा प्लेयर है ग्लूटामिक एसिड, यानी गौतम गंभीर है, तो गौतम गंभीर बेचारा क्या है, कम छक्के मारता है, तो हमने क्या कर दिया, गौतम गंभीर को वीरेंद्र सहवाग से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा सिक्सेस मारेगा, है ना। गौतम गंभीर इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वीरेंद्र सहवाग बिकॉज वो सिक्स ज्यादा मारता है। ये अपनी सिंपल सी ट्रिक थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, थैलेसीमिया के बारे में। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, हीमोग्लोबिन में चेन लेस था, ये लेस यानी कम था। ठीक है, हीमोग्लोबिन में चेन लेस था, लेस यानी कम था। अब यही इसकी ट्रिक बन जाएगी, हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन, चेन से चेन, लेस मतलब कम, था मतलब थैलेसीमिया, मतलब थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की चेन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, है ना। अब अल्फा चेन में कमी आई तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैले सीमिया, बीटा चेन में कमी आई तो क्या हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो यहां पे क्या है अपने, यहां पे क्या है अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है अपने खत्म हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना। मैंने इसकी फंडा क्या बताया था कि एनसीईआरटी में जिस भी डायग्राम में इंसान आपको दिख जाए, डाउन सिंड्रोम में एक छोटे बच्चे का डायग्राम दिया हुआ है, केलाइन फिल्टर में एक मेल का डायग्राम दिया हुआ है, टर्नर में एक फीमेल का डायग्राम दिया हुआ है, वो अपने सारे क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम पे। ठीक है, देखो इसका नाम डाउन क्यों पड़ा, तो सिंपल सी बात है, इसको एक साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था जिसका नाम था लैगडोन डाउन। ठीक है, 1866 में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। अब इसमें होता क्या है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। देखो नॉर्मली क्या होता है अपने अंदर, हम डिप्लोइड हैं, है ना। अब डिप्लोइड कंडीशन में क्या होगा, हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है ना, उसीलिए तो बोलते हैं हमको डिप्लोइड, दो कॉपी होती है। बट इसमें क्या है, 21st जो क्रोमोसोम है उसकी तीन कॉपी हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अब इसमें सिम्टम क्या क्या आएंगे, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि हाइट कम होगी, जिसको डाउन सिंड्रोम होगा उसकी हाइट कम होगी, उसका राउंड हेड होगा, उसकी फरोड टंग होगी और उसका पार्शियली ओपनड माउथ होगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बारे में इतना सा ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना केलाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मली किसी मेल के अंदर क्या होना चाहिए, XY। ठीक है, नॉर्मली किसी मेल के अंदर क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए, बट केलाइन फिल्टर में क्या हो जाता है, एक एडिशनल X
एक्स हो जाता है, एक एडिशनल एक्स। अब सिंपल सी बात है, एक्स क्रोमोसोम जितने ज्यादा होंगे उतनी फीमेल करेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम जितने ज्यादा होंगे उतने फीमेल करेक्टर ज्यादा होंगे ना, एक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है फीमेल करेक्टर, ये आप याद रखना। अब इसमें फीमेल करेक्टर आ जाएंगे, है ये मेल बट एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से इसमें फीमेल करेक्टर आ जाएंगे। पहली बात तो यहां पर याद रखनी है, ये स्टेराइल होता है, स्टेराइल होता है मतलब ये आगे क्या है बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्टेराइल होगा ये, फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें देखो फीमेलनेस आ गई मतलब फेमिनाइन डेवलपमेंट, गाइनेकोमेस्टिया ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट इसमें हो जाएगी, ठीक है। अब केलाइन फेल्टर के बाद है अपना टर्नर सिंड्रोम। देखो अब यहां पे देखो इसमें क्या था, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया था, और टर्नर सिंड्रोम में क्या है एक फीमेल, ये फीमेल में होता है फीमेल के अंदर, और ये किसमें था मेल के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया, ओ मतलब ये गायब हो चुका है, जीरो है ना, इसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम बच गया। अब मैंने क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम का मतलब है फीमेलनेस, किसी में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाए तो फीमेलनेस आ जाएगी, और किसी का एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाए मतलब उसकी फीमेलनेस कम हो जाएगी। तो किसी फीमेलनेस मतलब ये फीमेल के अंदर होता है, तो किसी फीमेल की अगर फीमेलनेस कम हो जाए मतलब वो मेल जैसे करेक्टर शो करेगी, है ना, मेल जैसे करेक्टर। इसको ऐसे याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं, ये भी स्टेराइल होगी, याद रखेंगे केलाइन फिल्टर में जो मेल है वो स्टेराइल, और टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल है वो भी स्टेराइल, क्योंकि इसकी ओवरीज जो है वो पूरी डेवलप ही नहीं हो पाती, है ना, रूडीमेंट्री ओवरी, तो ओवरी ही डेवलप नहीं होंगी तो ओवम नहीं बनेगा मतलब ये स्टेराइल है, ठीक है। और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी अब्सेंट होते हैं, जैसे कि इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी, मैं बोल रहा हूं ना बिल्कुल इसका उल्टा है, इसमें मेल के अंदर क्या है ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है गाइनेकोमेस्टिया, और इसमें फीमेल के अंदर भी क्या है ब्रेस्ट डेवलप नहीं होती, तो लगभग उल्टा है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्या, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, नेक्स्ट हम करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही वैसे करने हैं, पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो जाएगी, जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे करेंगे, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है अस्थमा, अस्थमा में तीन ही वर्ड याद रखने हैं अपने को, क्या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देखो सिंपल सी बात है रेस्पिरेशन का डिसऑर्डर है तो ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, इसमें कुछ याद नहीं किया। और क्या है वीजिंग होगी, इसमें क्या होती है वीजिंग होती है। और जो सबसे हिट पॉइंट, जो इसका सबसे मेन क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि अस्थमा के अंदर ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स में क्या हो जाती है इन्फ्लामेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अस्थमा का क्वेश्चन जो बनेगा मोस्ट प्रोबेबली यहां से बनेगा कि अस्थमा में क्या होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो जाती है किसमें ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स में। अस्थमा अपना क्लियर है, इससे ज्यादा एक भी वर्ड एनसीईआरटी में अपना है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा की मैं पहले भी अपनी वीडियोज में बता चुका हूं, सिंपल सी ट्रिक है, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर हो जाएगा। देखो सिंपल से देखो, जो सीमा थी ना, सीमा एक लड़की का नाम है, सीमा एक लड़की का नाम है सीमा, और सीमा बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती थी, सीमा बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती थी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बहुत ज़्यादा सिगरेट पी गई तो उसको क्या हो गया, थोड़े थोड़े नशे हो जाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिगरेट पिएगी तो थोड़ा थोड़ा सा उसको चक्कर सा आने लग जाता था, तो चक्कर आया तो उसने क्या किया, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी कहाँ दीवार में ठोक दी, गाड़ी दीवार में ठोक दी, तो गाड़ी को दीवार में ठोकेगी तो गाड़ी वो दीवार क्या हो जाएगी, दीवार अपनी डैमेज हो जाएगी, दीवार अपनी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा का मेजर कोज क्या है, मेजर कोज है इसका सिगरेट स्मोकिंग, मेजर कोज है सिगरेट स्मोकिंग। अब इसमें होता क्या, एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज, है ना, दीवार टूट गई थी ना, गाड़ी टक्कर लगी थी जब दीवार टूट गई थी, तो वॉल्स गेट डैमेज। अब दीवारें टूट जाएंगी तो दीवार का जो प्रॉपर सरफेस एरिया था वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, वॉल दीवारें जब टूट गई तो सरफेस एरिया क्या है डिक्रीज हो गया, ठीक है। और ये कैसा होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक, है ना, क्रोनिक का मतलब क्या होता है लंबे समय वाला, एक्यूट होता है कि इंस्टेंट, मान लो आपको आज ही बुखार हो गया कल उतर गया, है ना, और क्रोनिक होता है लंबे समय वाली बीमारी, ठीक है। अब इम्फाइसीमा के बाद क्या है, ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल मतलब आप समझ रहे हैं नाम से पता ही आपको ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्यवसाय, व्यवसाय है ना, जो भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, मजदूर होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको पता ही है इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे पत्थरों पर काम करते हैं, वो डस्ट यानी धूल मिट्टी में काम करते हैं, तो वो धूल मिट्टी में बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं अपने लंग्स में जाते रहते हैं, ठीक है। तो वो मान लो 10 साल से कोई बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो 10 साल तक उसमें डस्ट जो है छोटा छोटा जाता रहा, है ना, लॉन्ग एक्सपोजर होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी उसके लंग्स में इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाएगी, लंबे समय तक काम करने में इन्फ्लामेशन शुरू होने, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन से क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, इस इन्फ्लामेशन के रिजल्ट से क्या हो गया, फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, देखो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिवाइड करना कि रैपिड डिवीजन होगी फाइब्रस टिश्यू की, ठीक है।
सबसे पहले करने वाले हैं हम आई, ठीक है। देखो आई की लेयर्स होती हैं कितनी, तीन। आई की तीन लेयर्स होती हैं, एक आउटर, एक मिडल, एक इनर। आउटर लेयर को हम बोलते हैं स्क्लेरा, मिडल को बोलते हैं कोरोइड, इनर को बोलते हैं रेटिना, ठीक है। कुछ इस तरीके से होंगी एनसीईआरटी का डायग्राम है कि ऐसे आउटर होगी, फिर उसके अंदर मिडल, फिर सबसे अंदर होगी इनर लेयर, ठीक है। सबसे आउटर कौन सी, अपनी स्क्लेरा है, ठीक है। अब स्क्लेरा किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन, देखो ये एंटीरियर मतलब आगे वाली साइड जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कोरोइड के बारे में। कोरोइड में क्या होती है, मैनी ब्लड वेसल्स होती है और ये ब्लूइश कलर की दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिना। तो रेटिना वो लेयर है जो विजन, विजन है ना हमारे देखने में काम आती है। कैसे काम आती है वो हम देखेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी बातें हम यहां पे इसी डायग्राम के अंदर कर लेते हैं। देखो ये अपनी जो कोरोइड थी ना, मिडल लेयर कौन सी थी, कोरोइड थी। ये कोरोइड आगे आके मतलब ये टू थर्ड पोर्शन में, ये इसका टू थर्ड पोर्शन है। इसमें तो होती है पतली सी होती है, थिन होती है, बट ये आगे आके क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। आगे आके ये थिक हो जाती है और थिक होके बना देती है सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी बना देती है, ठीक है। अब सिलियरी बॉडी से क्या, एक टाइप की मसल्स निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं आयरिस, जिनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे अपना होगा लेंस, और लेंस को होल्ड किया हुआ है किसने, सिलियरी बॉडी से ही लिगामेंट निकलते हैं जिन्होंने लेंस को उसकी पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है। अब देखो ये अपनी नॉर्मल आई की स्ट्रक्चर है ना, ये हमने नॉर्मल देखी हुई है ना, ऐसे होगा। फिर ये अपना वाइट वाला पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, है ना। स्क्लेरा क्या है, अपनी आउटर लेयर है, ठीक है। और बीच में ऐसा कुछ होता है, तो ये है जो ये आयरिस होता है, और इसको समझो बिल्कुल आयरिस के भी बिल्कुल सेंटर में है प्यूपिल है। प्यूपिल एक तरीके से बोल सकते हैं आयरिस की ओपनिंग है, आयरिस की ओपनिंग, ठीक है। और कितनी लाइट है बाहर, ज्यादा लाइट आ रही है, कम लाइट आ रही है, उसके हिसाब से प्यूपिल क्या है, छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। यहां अपना लेंस हो गया, और ये अब देखो यहां पे दो चैंबर आएंगे, एक एक्वियस चैंबर आएंगे, एक विट्रस चैंबर आएगा, एक एक्वियस चैंबर आएगा, एक विट्रस चैंबर आएगा, है ना। अब इसकी लोकेशन समझो, एक्वियस चैंबर कहां है, लगभग बोल सकते हैं कॉर्निया और लेंस के बीच में, लेंस के बीच में, ठीक है। और यहां पे ये है अपना विट्रस चैंबर, ये है अपना विट्रस चैंबर, ठीक है। अब देखते हैं कि विजन, मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसे होता है। देखो मैकेनिज्म ऑफ विजन का मेन लेना देना होता है रेटिना के साथ, जो इनर लेयर होती है रेटिना। ये अपनी इनर लेयर है, ये अपनी क्या है, इनर लेयर है रेटिना। देखो यहां से यहां तक ये मैंने रेटिना ड्रॉ की है, ये रेटिना के अंदर का हिसाब किताब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो रेटिना के अंदर तीन टाइप की सेल होती है, एक गैंग्लियोनिक सेल्स, एक बायपोलर सेल्स, एक फोटोरिसेप्टर सेल, ठीक है। एक गैंग्लियोनिक सेल, एक बायपोलर सेल, एक फोटोरिसेप्टर सेल। अब हमें यहां फोटोरिसेप्टर सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। देखो फोटोरिसेप्टर सेल्स में दो टाइप की चीजें प्रेजेंट आपको मिलेंगी, एक रोड्स, एक कोन्स, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, आर फॉर रोड्स, आर फॉर रात, मतलब ये रात को देखने में काम आएंगे, मतलब डिम लाइट में, स्कोटोपिक विजन, ठीक है। और कॉन्स क्या है, दिन में देखने के काम आएंगे, डे लाइट में देखने के काम आएंगे, फोटोपिक विजन, ठीक है। और ये कॉन्स में तीन टाइप के होते हैं, रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए, ठीक है। रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए। अब इनके अलावा जितने भी कलर हम देखते हैं दुनिया में, वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, ठीक है। अब रोड्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन, और कॉन्स के अंदर आयोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, और आयोडोप्सिन वायलेट कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जो ये रोडोप्सिन है ये किससे मिलके बना है, ये ऑप्सिन और रेटिनल से मिलके बना है। देखो आर से रेटिनल और ऑप्सिन ऑप्सिन, ठीक है, आर से रेटिनल ऑप्सिन ऑप्सिन, रोडोप्सिन जो है किससे मिलके बना है, ऑप्सिन प्लस रेटिनल से मिलके बना है। ऑप्सिन एक प्रोटीन है, और रेटिनल मतलब ये एल्डिहाइड है किसका, विटामिन ए का, और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ विजन देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ विजन। देखो सिंपल सी बात है, यहां से लाइट आई, लाइट का गैंग्लियोनिक सेल पे कोई असर नहीं होगा, बायपोलर सेल पे भी लाइट का कोई असर नहीं होगा। फिर लाइट कहां स्ट्राइक करेगी, फोटोरिसेप्टर सेल पे, फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाली, मतलब लाइट को रिसीव करने वाली सेल्स, है ना। इसमें क्या है, अपने पास रोड्स हैं, कॉन्स हैं, ये सब है, ठीक है। अब देखो जब ये फोटोरिसेप्टर में सेल में क्या है, अपने पास रोड्स भी होंगे, तो जब ये लाइट जब रोड्स के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, जो ये ऑप्सिन रेटिनल के साथ जुड़ा हुआ था ये टूट जाएगा ना, एक तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा, है ना। ऑप्सिन रेटिनल से डिसोशिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से यहां पे फोटोरिसेप्टर सेल्स में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल आगे जाएगा कहां पे, आगे कैरी होगा बायपोलर सेल में, फिर बायपोलर सेल से कहां आगे कैरी होगा, गैंग्लियोनिक सेल में, फिर गैंग्लियोनिक सेल, सारी गैंग्लियोनिक सेल मिलकर कहां बना देंगे, ये
ऑप्टिक नर्व बना देंगी। अब ये ऑप्टिक नर्व अपनी कहां जाएगी, सिग्नल लेके कहां चली जाएगी, ब्रेन में चली जाएगी ना, विजुअल कॉर्टेक्स में। फिर वो इमेज का हिसाब ब्रेन से लग जाएगा किस टाइप की इमेज है, मेमोरी के बेस पे। ठीक है, इतना अपने को क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ दो बातें आपको पक्का कंफ्यूज करेंगी, इसलिए मैंने दोनों को मिला के लिख दिया है ना, ब्लाइंड स्पॉट एंड मैक्यूला लूटिया। देखो, ब्लाइंड स्पॉट नाम से ही पता लग रहा है, ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा मतलब यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स अपसेंट होंगी पूरे तरीके से, मतलब यहाँ पे रोड्स भी अपसेंट है, यहाँ पे कॉन्स भी अपसेंट है। ठीक है, और क्या बात याद रखना है, देखो चीज़ों के आने जाने की जगह ना, आई के बाहर चीज़ों की आने जाने की जगह वो है ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व जो आई से निकलेगी ब्रेन की तरफ, वो क्या है, ब्लाइंड स्पॉट के रास्ते से ही निकलेगी। और है ब्लड वेसल जो आई में एंट्री लेंगी, वो भी ब्लाइंड स्पॉट के रास्ते से ही एंट्री लेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, इसकी लोकेशन क्या है, लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट। और क्या है मैक्यूला लूटिया के बारे में याद रखना है, क्या येलोविश पिगमेंट होता है, येलोविश पिगमेंट। देखो लूटिया वर्ड जहां जाए, देखो आपने पढ़ा होगा कॉर्पस ल्यूटियम, वो भी येलो कलर का था ल्यूटियम। ठीक है, तो लूटिया वर्ड मतलब येलो कलर का। और मैक्यूला लूटिया में जो सेंट्रल पिट होता है उसको फोविया बोलते हैं, 5 स्टार लगा लो, फोविया। फोविया क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, फोविया क्या है, सेंट्रल पिट है इसके अंदर, मैक्यूला लूटिया के अंदर। ठीक है, और यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोविया के अंदर ओनली कॉन्स आर डेंसली पैक्ड। अब याद करो, ब्लाइंड स्पॉट में ना कॉन्स थे ना रोड्स थे, और यहां पे ओनली कॉन्स आर डेंसली पैक्ड, ओनली कॉन्स, बहुत सारे कॉन्स भरे हुए हैं, है ना। और बहुत सारे कॉन्स के होने की वजह से यहां पे विजुअल एक्टिविटी रिजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होता है ना, विजुअल एक्टिविटी यहां पे सबसे ग्रेटेस्ट होती है। ये अपनी आई कंप्लीट है, अब चलते हैं ईयर की तरफ। नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर। देखो ह्यूमन ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में आ जाएगा ईयर पिन्ना, ऑडिटरी मिएटस और टिम्पैनम, और मिडल ईयर में आएंगे ईयर ऑसिकल्स, जो ईयर बोन्स होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, इनर ईयर में क्या आ जाएगा, लेबिरिंथ आ जाएंगे, बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इसको डिटेल में हम देख लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, यहां तक जो ईयर का काम है वो है आवाज को यहां तक पहुंचाना, और ईयर मेन हियरिंग होगी, जो मेन ईयर का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, इनर ईयर परफॉर्म करता है। ये तो बस आवाज को यहां तक खींच के ला रहे हैं और उसकी मोड मतलब उसकी एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। देखो कुछ इस तरीके से अगर रफ डायग्राम देखो, तो ये अपना एक्सटर्नल ईयर, ये अपना कान ऐसे होता है, यहां से आवाज एक तरीके से रिसीव हुई, फिर ये ऑडिटरी मिएटस आ जाएगा, यहां से गई, और ये अपना कान का पर्दा यानी टिम्पेनम, फिर ये अपना मिडल ईयर आ जाएगा, फिर आवाज गई मिडल ईयर में, मिडल ईयर में अपने को मिलेंगी ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इनकस, स्टेपस। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एक तरीके से आवाज को एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करके फिर आवाज कहां जाएगी, इनर ईयर में। इनर ईयर का फंक्शन क्या है, अपना हियरिंग और अपना बैलेंसिंग। ठीक है, अब एक बात यहां पे याद रखेंगे कि यूस्टेकियन ट्यूब होती है, यूस्टेकियन ट्यूब जो मिडल ईयर से कनेक्टेड होती है फेरिंग्स की तरफ, है ना, मिडल ईयर और फेरिंग्स को जोड़ती है, यहां से निकलेगी और फेरिंग्स को जोड़ेगी, ये बात यहां पे याद रखनी है। ठीक है, अब यहां पे इनके बारे में तो इतना कुछ नहीं है, बस इनका फंक्शन इतना ही है कि ये एम्पलीफाई करती है ना, थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ाती है मिडल ईयर की जो बोन्स है, और ये आवाज को खींच खींच के लाती है, इतना ही काम है। मेन काम जो होता है वो इनर ईयर का होता है। देखो इनर ईयर को थोड़ा सा ऐसे समझो, थोड़ा सा ऐसे, इनर ईयर में क्या होता है, लेबिरिंथ होते हैं। लेबिरिंथ कौन से, एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ML मतलब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और एक BL मतलब बोनी लेबिरिंथ। कुछ इस तरीके से इनको याद रखना। देखो ये ब्लैक कलर का सर्कल है अपना मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और रेड कलर का सर्कल है बोनी लेबिरिंथ। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो होगा एंडोलिम्फ, है ना, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ के बीच में जो फ्लूइड है, मतलब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर जो फ्लूइड है वो है पेरिलिम्फ, वो है पेरिलिम्फ। ठीक है, देखो अब हम बात कर रहे हैं इनर ईयर के, है ना, इनर ईयर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि मेन फंडा इसका ही है। तो इनर ईयर के 2 फंक्शन होते हैं, एक बैलेंसिंग एक हियरिंग। इनर ईयर के 2 फंक्शन होते हैं, एक बैलेंसिंग एक हियरिंग। तो बैलेंसिंग कौन करता है, वेस्टिबुलर अपरेटस, और हियरिंग में कौन काम आता है, कोकलिया काम आता है। हियरिंग में कौन काम आता है, कोकलिया काम आता है, हाँ। तो वेस्टिबुलर अपरेटस पहले देख लेते हैं, एनसीईआरटी की इस चार्ट से आपकी एनसीईआरटी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखो वेस्टिबुलर अपरेटस क्या काम करेगा, हम देख चुके हैं क्या काम करेगा, बैलेंसिंग का काम करेगा। अब बैलेंसिंग भी 2 टाइप की है, डायनेमिक बैलेंस मतलब चलते फिरते हुए बैलेंस, और एक स्टैटिक बैलेंस मतलब बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में बैलेंस। अब डायनेमिक बैलेंस कौन परफॉर्म करेगा, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और स्टैटिक बैलेंस कौन परफॉर्म करेगा, ऑटोलिथ ऑर्गन। ठीक है, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो स्वोलन बेस होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, और एम्प्यूला में क्या होते हैं, क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, और एम्प्यूलरिस में क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स में अपने रिसेप्टर आ जाएंगे। और इधर ऑटोलिथ ऑर्गन में क्या होंगे, सैक्यूल एंड यूट्रिकल होंगे, सैक्यूल एंड यूट्रिकल में होंगी रिजिज, रिजिज को हम क्या बोलते हैं,
मैक्यूला और मैक्यूला में होंगे हेयर सेल्स रिसेप्टर, हाँ कुल मिला के अपने को रिसेप्टर पे पहुंचना है। तो ये वेस्टिबुलर अपरेटस का लेना देना है, ठीक है। तो ये अपना बैलेंसिंग वाला कंप्लीट है। और क्या बच गया अपना, कोकलिया बच गया। कोकलिया का फंक्शन क्या है, अब हियरिंग है ना, जो मेन सुनने वाला फंक्शन है। अब देखो सारा खेल इस डायग्राम का है, इस डायग्राम का, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, देखो सिंपल सी बात है, इसको ये अपना क्या है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है और ये पूरा अपना साइड में क्या आ रहा है बोनी लेबिरिंथ आ रहा है, ठीक है। तो हमने मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में बात की थी क्या कौन सा फ्लूड होता है, एंडोलिम्फ होता है, ठीक है। इसके अंदर होगा एंडोलिम्फ और बाहर क्या होता है पेरिलिम्फ, इसमें भी क्या होगा पेरिलिम्फ होगा, ठीक है। याद करने वाली बात बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो ये तीन स्पेस अपने को याद करना है। देखो स्केला मीडिया जो बीच में आ रहा है, मीडियम में आ रहा है, मतलब मीडिया सिंपल सा याद हो गया। अब ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर देखो ये ऊपर वाली साइड है और ये बेस वाली नीचे वाली साइड है। देखो वी फॉर विक्टरी, विक्टरी मतलब जो जीत गया, तो जीत गया तो उसको ऊपर रख दो, मतलब वेस्टिबुलाई आएगा ऊपर और टिम्पैनी आ जाएगा नीचे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब दो मेम्ब्रेन अपने को याद करनी है, दो मेम्ब्रेन, ठीक है। एक रेजिनर मेम्ब्रेन, एक बेसाइलर मेम्ब्रेन, रेजिनर मेम्ब्रेन एक बेसाइलर मेम्ब्रेन। अब नाम से ही पता लग रहा है बेस, बेस मतलब बेसाइलर, बेस मतलब बेसाइलर, मतलब जो नीचे वाली साइड होगी वो होगी बेसाइलर मेम्ब्रेन और ऊपर वाली साइड होगी कौन सी रेजिनर मेम्ब्रेन, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें याद है, ठीक है। अब एक मेम्ब्रेन यहां बेसाइलर मेम्ब्रेन के ऊपर होती है कौन सी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेसाइलर मेम्ब्रेन देखो ये बेसाइलर है और इसके ऊपर कौन सी होगी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब एक और याद करने वाली इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको बता दूं, एक ओवल विंडो होती है जो कहां ओपन होगी स्केला वेस्टिबुलाई में और एक राउंड विंडो होती है स्केला टिम्पेनी में, ठीक है। अब याद करो हमने मिडल ईयर में किया था कि मेलियस इनकस स्टेपिस, तो जो स्टेपिस होगी वो किससे कनेक्टेड होगी, ओवल विंडो और फिर यहां स्केला वेस्टिबुलाई, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखते हैं कि हम सुनते कैसे हैं। देखो इसमें क्या है, हमने किया कि पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ, ठीक है, क्या है पूरे में फ्लूड भरा हुआ है, फ्लूड भरा हुआ है, तो जो भी साउंड आएगी आवाज आएगी वो क्या करेगी एक तरीके से इस फ्लूड में क्या करेगी, एक तरीके से हलचल पैदा करेगी, कुछ इस तरीके से है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखो ये है मान लो ये है अपनी बेसाइलर मेम्ब्रेन, ये है अपनी बेसाइलर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इधर मान लो ये है अपनी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहां बीच में है अपनी क्या है मान लो ये हेयर सेल्स हैं, ये हेयर सेल्स हैं, ठीक है। तो जो फ्लूड में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसकी वजह से ये क्या होगी, ये क्या होगी इसको उस साइड एक तरीके से धकेलेगी, है ना, हेयर सेल्स को। ये जो अपनी बेसाइलर मेम्ब्रेन है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, तो बेसाइलर मेम्ब्रेन हेयर सेल्स को बेंड करवाएगी किस तरफ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ, है ना। तो क्या है एक तरीके से हेयर सेल्स बेसाइलर और टेक्टोरियल के बीच में एक तरीके से बीच में आ जाएगी, है ना, ये इसको इधर बेंड करवाएगी, इधर बेंड करवाएगी। तो इधर जब बेंड करेगी ये हेयर सेल्स इधर बेंड करेगी तो क्या होगा, इसमें एक तरीके से क्या होगा नर्व इंपल्स जनरेट होगी, नर्व इंपल्स जनरेट होगी ना, सारा सिस्टम करना क्या था अपने को, अल्टीमेटली नर्व इंपल्स ही जनरेट करवानी थी, ठीक है। फिर वो अपना क्या है नर्वस सिस्टम से पूरा सिस्टम फिर पूरा हैंडल हो जाए। वीडियो है क्रिसमस पर आदित्य ने सलीना को रोज का फ्लावर दिया, क्रिसमस पर आदित्य ने सलीना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस से याद आएगा जाइलम डिफरेंशिएशन, पर से याद आएगा पार्थेनोकार्पी, आदित्य ए डी से याद आएगा एपिकल डोमिनेंस, सलीना से याद आएगा सेल डिवीजन, रोज से याद आएगा रूटिंग और फ्लावर से फ्लावरिंग। देखो गिब्रेलिन हार्मोन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, GBR, ठीक है। गिब्रेलिन हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, GBR। इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखो जी से हमें क्या क्या याद आएगा, जी फॉर गन्ना, गन्ना यानी शुगर केन, शुगर केन जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रेप्स, ग्रेप्स जहां भी आ गए आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है गोभी, गोभी हिंदी में गोभी है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे कैबेज, तो कैबेज जहां भी दिख गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रोसरी, ग्रोसरी से याद रखना है मार्केट पीरियड, मार्केट पीरियड कौन इंक्रीज करता है गिब्रेलिन। एक एक लाइन एनसीईआरटी की बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट बी से देखो बोल्टिंग इफेक्ट जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी माल्टिंग प्रोसेस, जहां भी आ गया कि कौन सा हार्मोन यूज होता है तो आंसर है गिब्रेलिन। नेक्स्ट है आर से रोजेट हैबिट, रोजेट हैबिट जहां भी पूछ लिया गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। एक एक पॉइंट पूरा एनसीईआरटी का कवर हुआ है अपना।
नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब सेल और काइनिन का मतलब डिवीजन। मतलब एक बात तो क्लियर है कि साइटोकाइनिन क्या कराएगा, सेल डिवीजन। अब कहां पे कराएगा, देखो सेल डिवीजन इन शूट पार्ट, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। रूट पार्ट क्या होता है, जमीन से नीचे, और शूट पार्ट क्या होता है, जमीन से ऊपर। तो जमीन से ऊपर प्लांट के किसी भी पार्ट के आगे लिख दिया उन्होंने सेल डिवीजन, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब देखो एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट एक एक लाइन कैसे कवर करेंगे, देखो सेल डिवीजन इन शूट बड्स, आंसर साइटोकाइनिन, क्योंकि शूट यहां पे लिखा ही आ गया। सेल डिवीजन इन लीव्स, अब लीव्स कैसा पार्ट है, शूट पार्ट है, और सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो आंसर है साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन लेटरल शूट्स, अब यहां पे ऑलरेडी आ गया शूट्स आ गया, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन फ्रूट्स, फ्रूट्स भी कैसा पार्ट है, शूट मतलब जमीन से ऊपर का पार्ट है, और सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी शूट जमीन से ऊपर का पार्ट है, और क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन एडवेंटिशियस शूट, फिर से शूट आ गया और सेल डिवीजन हो रही है, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब ये एक इंपॉर्टेंट लास्ट याद रख लेना, लीफ सेनेसेंस, लीफ की सेनेसेंस, स्पेशली सेनेसेंस में स्पेशली लीफ की पूछ ली जाए तो लीफ कैसा पार्ट है, शूट का पार्ट है, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। लीफ सेनेसेंस पे स्टार लगा लेना, इसको अलग से याद रख लेना। नेक्स्ट देखो अब्सिसिक एसिड यानी ABA, इसके फंक्शन को कैसे याद रखें। देखो जब भी घर के बाहर लड़ाई होती है, या घर के बाहर बोल लो दंगे चल रहे हैं, तो घर के दरवाजे कौन बंद करता है, घर के दरवाजे बंद करता है अब्बा, है ना, सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए अब्बा, अब्बा यानी फादर, जो अब्बा होते हैं वो घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब्बा क्लोजेज डोर्स इन स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी घर के बाहर तनाव का माहौल चल रहा है, तो अब्बा ने क्या किया, दरवाजे बंद कर लिए। तो सेम देखो, सेम इसी लाइन को चिपका देना है। डोर्स, डोर्स कैसे दिखते हैं, स्टोमेटा जैसे, जो स्टोमेटा होता है वो आपने देखा होगा डायग्राम में, वो दरवाजे जैसे ही तो होते हैं। तो ABA से हमें याद आएगा अब्सिसिक एसिड क्लोजेज स्टोमेटा इन स्ट्रेस। अब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है स्ट्रेस के माहौल में। और एक इसमें आगे ये भी याद रख लेना कि ABA इज इक्वल टू AGA, ABA यानी अब्सिसिक एसिड और AGA यानी एंटी गिब्रेलिक एसिड, जो ABA होता है वो एंटी गिब्रेलिक एसिड होता है। लास्ट है इथाइलिन, अब देखो इसको आप FM करके भी याद रख सकते हो, पर EMF ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उसमें इथाइलिन भी कवर हो जाता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आपने पढ़ा होगा बायो में यार, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। E से याद आएगा इथाइलिन, M से मोटा, F से फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन, फीमेलनेस। अब ये मोटा समझा देता हूं, मोटा मतलब लेटरल ग्रोथ, ये लेटरल ग्रोथ कराता है, वर्टिकल नहीं कराता, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है ना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक जैसे लग रहे हैं ना, मोटा होना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग मतलब मोटा होना, मतलब ऊपर को ग्रोथ नहीं हो रही प्लांट की, ये साइड वाइज ग्रोथ करा रहा है। और एफ से हमें याद आ जाएगा फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन एंड फीमेलनेस। फीमेलनेस इसमें ककंबर में याद रख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लैक ऑपेरॉन में सबसे पहला पॉइंट, इनको कैसे याद करना है, इनको याद करना है रपोस, रपोस RPOS, R से रिप्रेसर, P से प्रमोटर, O से ऑपरेटर, और ZYA हमारे हो जाएंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो यहां पे हमारे पास बनेगा क्या, रिप्रेसर, रिप्रेसर को मैंने बोला है चोर। अब देखो चोर के आसपास अगर कोई भी पुलिस वाला ना हो तो ये चोर बिल्कुल फ्री है। अब चोर बिल्कुल फ्री है तो ये क्या करेगा, इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, यहां पे बाइंड कर जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा, मतलब यहां पे कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा। अब दूसरी कंडीशन देखो, सेम वही रपोस, यहां पे बना रिप्रेसर, रिप्रेसर यानी चोर, पर इस कंडीशन में क्या है, चोर के आसपास एक पुलिस वाला है, इंड्यूसर, इंड्यूसर को मैंने बोला है पुलिस वाला, चोर के आसपास पुलिस वाला है तो ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा, इस चोर को पकड़ लेगा तो ये चोर यहां ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ऑपरेटर बिल्कुल फ्री है और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास हो जाएगी और यहां पे ये स्ट्रक्चरल जीन से एंजाइम हमारे बन जाएंगे।
अब देखो इस एक बेसिक फ्लो को पकड़ो कि डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे, उसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से हमने आरएनए को बनाया उसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से हमने प्रोटीन बनाया उसको हमने बोला ट्रांसलेशन। ठीक है, अब हमें पहले करना है ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करने वाले हैं, डीएनए से बनाने वाले हैं आरएनए, डीएनए से बनाएंगे आरएनए। अब देखो यहां पर एक सिंपल सी बात है, हम आरएनए बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कौन सा एंजाइम अपने को चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, हम डीएनए से आरएनए बनाने जा रहे हैं तो आरएनए बनाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में कुछ अलग तरीके से होता है और यूकैरियोट में कुछ अलग तरीके से होता है। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी बनाएगा और मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा। बट यूकैरियोट की बात करें तो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज अपने पास तीन टाइप का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा वो क्या बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए एंड हेटरोन्यूक्लियर आरएनए बनाएगा, और 3 क्या बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, हमें ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनानी है, आरएनए बनानी है, आरएनए बनानी है। ठीक है, और कैसे बनानी है, आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके, प्रोकैरियोट में ऐसे, यूकैरियोट में ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिक प्रोसेस समझो। ठीक है, अपने को डीएनए से बनाना है आरएनए, तो ये अपने पास डीएनए है, ये अपने पास डीएनए की डबल स्ट्रैंड है, ये 3' से 5', ये 5' है, ये 3', ये डीएनए की डबल स्ट्रैंड है, और सिंपल सी बात है ये स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, आरएनए बनाना है जिसको बोल रहे हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो 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 डीएनए की स्ट्रैंड 3' से 5' हो उसको हम बोल देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो 5' से 3' हो उसको बोल देंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब हमें एक सिंपल सी बात पता है कि नई स्ट्रैंड जब भी बनती है, नई स्ट्रैंड जब भी बनेगी वो 5' से 3' बनेगी, है ना, खुद वो 5' से 3' बनेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर नई स्ट्रैंड को 5' से 3' बनना है तो वो इसके साथ में बननी चाहिए। मतलब क्या होगा, जो ये आरएनए, यहां पे हमें मैसेंजर आरएनए बनानी है, जो यहां पे मैसेंजर आरएनए बनेगी वो कैसे बनेगी, वो यहां बनेगी इसके, है ना। देखो यहां पे होता है प्रमोटर रीजन, यहां पे टर्मिनेटर। प्रमोटर मतलब नाम से ही पता लग रहा है, ये एक तरीके से प्रमोट कराएगा, टर्मिनेटर मतलब यहां अपनी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो नई स्टैंड बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी 5' 3', और ये क्या बनेगी, अपनी मैसेंजर आरएनए बनेगी, ये अपनी बनेगी मैसेंजर आरएनए। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसके ऑपोजिट बनेगी ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, है ना, ये जो टेम्पलेट स्टैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, है ना, बिल्कुल 5' से 3', ये अपनी मैसेंजर आरएनए ऐसे बनेगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, उसमें कैसे होगा। देखो तीन स्टेप है यहाँ पे, क्या, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोकैरियोट्स में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक रो फैक्टर, है ना, कुछ ऐसा याद रखो, सिग्मा फैक्टर S4 सिग्मा S4 स्टार्ट, मतलब सिग्मा फैक्टर क्या है, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन, जो अपनी ट्रांसक्रिप्शन है उसको स्टार्ट कराएगा, और रो फैक्टर क्या है, उसको खत्म कराएगा। ठीक है, S4 सिग्मा S4 स्टार्ट कराएगा, रो फैक्टर उसको खत्म कराएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर लग जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज हमने की थी, आप याद करो, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जब जुड़ेगा तो यहां से मैसेंजर आरएनए का बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, इनिशिएट होगा। फिर क्या होगा, इलोंगेशन, मतलब ये ऐसे, देखो यहां पे स्टार्ट हुआ, फिर ये इलोंगेट हुआ, फिर यहां पे टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इलोंगेशन कब होगी, जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जुड़ जाएगा तो क्या है, ये ऐसे इलोंगेट करेगी, इलोंगेट करते करते मैसेंजर आरएनए बनेगी। ठीक है, और जब ये आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर जब हट जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या है, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इनिशिएशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ यहां पे बाइंड जब करेगा तो बाइंड करते क्या है, इनिशिएशन होगी ना, इसकी ट्रांसक्रिप्शन की मैसेंजर आरएनए बनने का स्टार्ट होगा। और इलोंगेट कब होगा, जब ये सिग्मा फैक्टर हटके रो फैक्टर लग जाएगा तो ये इलोंगेट होगी, और ये रो फैक्टर जब हट जाएगा, टूट जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हमने बात की किसकी, हमने प्रोकैरियोट की बात की। बट यूकैरियोट में कुछ थोड़ा अलग सीन होता है, देखो यहां तक तो बिल्कुल सेम था, हमने मैसेंजर आरएनए बना ली। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम है, हमने मैसेंजर आरएनए बना ली, तो प्रोकैरियोट में तो सिंपल सी मैसेंजर आरएनए बनती है। बट यूकैरियोट में जो मैसेंजर आरएनए बनी, ये थोड़ी कुछ अलग तरीके की होती है, मतलब इसमें इंट्रोन होते हैं, एक्सोन होते हैं, है ना, इसलिए हेटरोन्यूक्लियर बोल रहे हैं इसको, हेटरो मतलब अलग अलग चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। ठीक है, देखो इंट्रो नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रो ये वर्ड कहां से आया, इंटरप्ट से आया, इंटरप्ट, है ना, इंटरप्ट करना मतलब गड़बड़ी करना, इंटरप्ट करना, तो इंट्रोन है वो इंटरप्शन है, हमें क्या करना है, इस इंटरप्शन को दूर भगाना है, मतलब एक्सोन जो है सिर्फ वो अपने काम की चीज है, हमें एक्सोन चाहिए,
चाहिए, हमें इंटरप्शन को हटाना है। तो इस इंटरप्शन को हटाने को ही हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग होकर अपने पास ये तैयार है। अब हम इसका क्या करेंगे, कैपिंग एंड टेलिंग। देखो कैप मतलब सिर पे, अब सिर कौन सा होता है, देखो 5- एंड एक तरीके से सिर है, तो 5- एंड पे होगी कैपिंग, और टेल 3- एंड एक तरीके से एंड है ना, टेल है, उस पर होगी टेलिंग। कैपिंग किससे होगी, मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग किससे होगी, एडिनाइलेट रेजिड्यूस, ठीक है, एडिनाइलेट रेजिड्यूस, ठीक है। तो ये अपनी देखो यहाँ पे स्प्लाइसिंग हुई है ना, मतलब हमारे पास एक्सोन एक्सोन जुड़ गए, और इन एक्सोन एक्सोन पे भी कैपिंग और टेलिंग हो जाएंगी। तो ये अपनी यूकेरियोट में ये अपनी मैसेंजर आरएनए बनके तैयार है। अब हम देख लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है। देखो लगभग हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है, अपने उस चार्ट से जो हमने ये किया था ना, इसी से अपने को समझ आ जाएगा। देखो जो ये ग्रैनुलोसा सेल इसके अराउंड बन रही थी ना, इसके अराउंड भी ग्रैनुलोसा सेल थीका सेल्स बन रही थी। तो ये सेल्स क्या करती हैं, ग्रैनुलोसा सेल थीका सेल, ये क्या करते हैं, हॉर्मोन रिलीज करती हैं। कौन से हॉर्मोन, एस्ट्रोजन हॉर्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये वाले हार्मोन रिलीज करती हैं। कैसे करती हैं, क्योंकि क्या होता है, देखो ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये थीका सेल्स हैं, इनके ऊपर कौन एक्ट करता है, इनके ऊपर LH हार्मोन, FSH हार्मोन इनके ऊपर एक्ट करेंगे, और वो क्या रिलीज करवाएंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो रिलीज करवाएंगे। तो इसी का खेल है। देखो बात साधारण सी है, भावनाओं को समझना, जो सामने लिखा है सिर्फ उसको देखो। देखो यहां पे अपना फॉलिकुलर फेस, फॉलिकुलर फेस मतलब जहां पे क्या है, अपने फॉलिकल जो है मैच्योर हो रहे हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, फॉलिकल्स अपने मैच्योर हो रहे हैं, वो हो गया अपना फॉलिकुलर फेस, या इसको बोल रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेस, मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोलिफरेशन की तरफ जा रही है ना। ऐसा क्यों बोला, देखो सिंपल सी बात है, जब ये फॉलिकल अपने मैच्योर होंगे, इनके बाहर कौन सी सेल बन रही है, ग्रैनुलोसा सेल्स बन रही है, थीका सेल्स बन रही है, तो उन सेल्स के ऊपर कौन एक्ट करेगा, FSH एंड LH हार्मोन उनके ऊपर एक्ट करेंगे, और उनसे क्या रिलीज करवाएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, FSH और LH बढ़ते जा रहे हैं, अब ये बढ़ेंगे तो ये इनके ऊपर एक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो 14th डे पे क्या आएगा, LH मैक्सिमम पीक पे चला जाएगा ना, LH सर्ज हो जाएगी यहाँ पे, LH सर्ज, तो ये मैक्सिमम पीक पे जाएगा। तो ये देखो एस्ट्रोजन भी यहाँ पे पीक पे चला गया, एस्ट्रोजन भी यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे अपनी ओव्यूलेशन होगी, मतलब ओवम अलग हो जाएगा, और बाकी का जो बचेगा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या बचेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा, ठीक है। अब देखो ल्यूटियल फेज, मतलब जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम हमारा दिख रहा है, वो हो गया सिंपली ल्यूटियल फेज, है ना। अब ये क्या करेगा, सिक्रेटरी फेज, ये क्या करेगा, अब हार्मोन रिलीज करेगा। हमने बात की थी कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो प्रेगनेंसी हो जाएगी या नहीं होगी। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, यानी प्रेगनेंसी अगर हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा, है ना, 3 महीने तक लगभग करता रहेगा, है ना। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ये प्रेगनेंसी नहीं हुई का केस आपके सामने, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, डीजनरेट हो जाएगा। देखो यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बना, तो ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, पर अपने को याद रखना है प्रोजेस्टेरोन। देखो इसने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया, कॉर्पस ल्यूटियम यहां बना हुआ है ना, इसने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया, और हमें पता है प्रोजेस्टेरोन किसके लिए चाहिए, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग की मेंटेनेंस के लिए, प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए ना। देखो ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग यहां मेंटेन हो रही है, किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट यहां पे हो जाएगा, मतलब प्रोजेस्टेरोन भी अपना डाउन आ गया, बिलो आ गया, है ना। अब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो है मेंटेन नहीं हो पाएगी, और इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। देखो यहां से, अब ये यहां से स्टार्ट होगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, ब्रेकडाउन होगी तो जो भी वो है ब्लीडिंग होगी, और जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पता ही है फिर बाकी क्या होगा, है ना, 3 से 5 दिन तक वो मेंस्ट्रुएशन फेल आ जाएगा, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये सिंपल सा था कि प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करती है, कौन से HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन्स प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, देखो प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी से भी हार्मोन आएगा, रिलैक्सिन ओवरी से आता है, ठीक है। अब यहां पर एक सुपर हिट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं कि ऐसे हार्मोन्स का नाम बताओ जो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होती है, मतलब फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी होगी सिर्फ और सिर्फ तभी वो रिलीज होंगे, कौन
कौन से, HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन ऐसे जो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं, ठीक है। अब NCERT में साफ साफ लिखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमने बात कर ली कि ये हार्मोन रिलीज होते हैं, पर इनके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनका लेवल क्या है, मेटरनल मतलब माँ के अंदर बढ़ जाता है। जैसे एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेना यार, ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, कोर्टिजोल बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन बढ़ जाएगा, ये मदर के अंदर बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि फीटल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक चेंज मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं, और क्या है प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में ये काम आते हैं, ठीक है। अब देखो अपना एम्ब्रियो अब बन गया था, एम्ब्रियो अपना मदर के कहां पे, यूट्रस में भी कहां पे, एंडोमेट्रियम पे चिपका हुआ था। अब जो एम्ब्रियो था उससे आगे क्या बनेगा, उससे एक्टोडर्म बनेगी, उससे एंडोडर्म बनेगी, उससे मीजोडर्म बनेगी, और यही तीनों मिलके क्या है आगे जाके अपने जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें टिश्यू है, ऑर्गन है, सारे यही तीनों ही इन्हीं तीनों से बनते हैं ना, जो भी हार्ट बना या किडनी बनी या लीवर बना या आंखें बनी या दिमाग बना या लंग्स बने, जो भी कुछ बनेगा इन्हीं तीनों से बनेगा, है ना। एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, एंडोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, मीजोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। अब एक NCERT में स्टेम सेल्स के बारे में छोटी सी बात की है कि स्टेम सेल्स की खास बात क्या है कि इनमें पोटेंशियल, इनमें पावर होती है क्या है, नए टिश्यू या ऑर्गन को रीजनरेट करने की, है ना, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द, है ना, बॉडी में जितने भी टिश्यू या ऑर्गन है सबको ये बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है इनको दूर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आ जाए कहीं भी, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो 9 महीने, है ना, आपको पता है 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, उसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बर्थ, ना, बच्चे की डिलीवरी जो होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और लैक्टेशन किसको बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि मदर की क्या है, मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वो एंड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। मिल्क क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बच्चे को दूध पीना है ना, तो बच्चा पैदा होगा वो दूध पिएगा, तो उसके लिए क्या है, मदर में मेमरी ग्लैंड से मिल्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम क्या, लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये NCERT में दिया है कि कौन से महीने में क्या बनता है ना, ये NCERT में दिया है, ये आपको याद करना पड़ेगा, NCERT में दिया है। आफ्टर 1 month क्या बनेगा, हार्ट इज फॉर्म, आफ्टर 2nd month क्या बनेगा, लिम्स एंड डिजिट, एंड ऑफ 3rd month, या इसको ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3rd month आ जाए, या 12 week बोल दे, या 1st trimester बोल दे, है ना। देखो एक ट्राइमेस्टर कितने का होता है, 12 हफ्ते का होता है, 12 week का। इसमें क्या मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये NCERT में जो लिखा हुआ है मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। ड्यूरिंग 5th month क्या है, 1st movement एंड हेयर्स ऑन हेड, ठीक है। एंड ऑफ 6th month लिखा आ जाए, या 24 weeks आ जाए, या फर्स्ट, या यहाँ पे सेकंड कर लेना, यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर, देखो 12 हफ्ते का पहला ट्राइमेस्टर और 24 हफ्ते का सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक। यहाँ पे क्या है, फाइन हेयर्स ऑन हेड, आईलिड्स क्या है सेपरेट हो जाएंगी, और आईलेशेस जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। अब ये आपको NCERT का फ्लो याद रखना पड़ेगा, ये मैंने पूरा NCERT का कॉपी पेस्ट करके ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो फुल्ली डेवलप्ड फीटस मतलब माँ के अंदर जो बच्चा है वो पूरा डेवलप हो चुका है, मतलब वो पैदा होने के लिए तैयार है ना, और प्लेसेंटा भी होती है माँ के अंदर, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा मिलके क्या करेंगे जो यूट्रस है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कर देंगे, है ना, इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन किन, यूट्रस में, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो फीटल मतलब फीटस, इजेक्शन मतलब बाहर निकालना, रिफ्लेक्स मतलब फीटस को बाहर निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, जो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, उसी को हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगी, इन यूट्रेन कॉन्ट्रेक्शन को और ज्यादा तगड़ा कर देगी, है ना, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन, मतलब इन्होंने माइल्ड यूट्रेन कॉन्ट्रेक्शन की थी और उसके रिजल्ट से क्या हो गया, अपना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, और ऑक्सीटोसिन ने क्या की, स्ट्रॉन्गर यूट्रेन कॉन्ट्रेक्शन। अब यूट्रस में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, जो बच्चा अपना फीटस है वो बाहर आ जाएगा, है ना, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन बोल रहे हैं, है ना। तो बच्चा बाहर आ गया, उसके थोड़ी देर बाद क्या है, प्लेसेंटा जो थी वो भी अपनी एक्सपेल हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखेंगे, कोलोस्ट्रम क्या होता है। देखो कोलोस्ट्रम वैसे तो सबको पता है, फर्स्ट मिल्क लिखा जाए, पहला दूध माँ का, पहला दूध इनिशियल मिल्क आ जाए, है ना, ये आपको याद रखना है कि पहला मिल्क इनिशियल मिल्क क्या होता है, कोलोस्ट्रम होता है। और कोलोस्ट्रम में क्या याद रखना है, एंटीबॉडी होती है, कौन सी, IgA। देखो पहला दूध मतलब पहला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो, ABCD अल्फाबेट में कौन सा आता है, ए सबसे पहला आता है, तो ऐसे याद हो जाएगा IgA एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम के अंदर होती है, ठीक है।
देखो ब्लड हमारे पास क्या है, सबसे पहले ब्लड है, ब्लड ठीक है। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, एक होता है क्या लिक्विड पार्ट, ब्लड में है एक लिक्विड पार्ट और एक होता है ब्लड में सॉलिड पार्ट, एक ब्लड में सॉलिड पार्ट ठीक है। अब जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा। और ये टोटल ब्लड का कितना होता है 55% होता है, 55% ठीक है। और सॉलिड पार्ट में हमारे पास ब्लड के सॉलिड पार्ट में क्या आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी ब्लड सेल्स आ जाएंगी, ब्लड सेल्स जो कितनी होंगी ऑटोमेटिकली है ये 55% है तो ये कितनी होंगी 45% ठीक है 45%। अब ब्लड सेल्स भी हमारे पास कितने टाइप की आएंगी, ब्लड सेल भी हमारे पास कितने टाइप की आएंगी, तीन टाइप की आएंगी, कौन सी रेड ब्लड सेल और दूसरी कौन सी है व्हाइट ब्लड सेल और तीसरे क्या है प्लेटलेट्स, तीसरे क्या है प्लेटलेट्स, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं। अब WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल भी हमारे पास दो टाइप की फर्दर डिवाइड हो जाती है, कौन सी, एक तो हो जाएंगी ग्रैन्यूलोसाइट्स और एक हो जाएंगी ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, एक हो जाएंगी ए ग्रैन्यूलोसाइट ठीक है। इतना बेसिक बेसिक सा अपना ब्लड का क्लियर है। अब चलते हैं आगे बात करेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या है, RBC में क्या है, ग्रैन्यूलोसाइट में क्या है, ग्रैन्यूल में क्या है, प्लेटलेट्स में क्या है। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके, प्लाज्मा के बारे में, और प्लाज्मा के बाद बात करेंगे हम ब्लड सेल्स के बारे में ठीक है, ब्लड सेल्स के बारे में ठीक है। अब देखो प्लाज्मा में पहले बात करते हैं कि होता क्या क्या है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है, वाटर, NCERT में जो लिखा हुआ है वैसे वैसे बताऊंगा, और वाटर की परसेंटेज NCERT में देगी, टोटल प्लाज्मा में 92% क्या होता है वाटर होता है, वाटर होता है ठीक है। दूसरी चीज अपने को क्या याद रखनी है कि प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स ठीक है, और प्रोटीन्स की परसेंटेज NCERT में साफ साफ दी हुई है 6-8% टोटल प्लाज्मा का 6-8% ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, और प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, मिनरल्स वही अपने सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन ये सब ठीक है। और क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं प्लाज्मा में, ये सब होते हैं। और जो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो इसको कि प्लाज्मा में क्या होते हैं क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में क्या होते हैं क्लोटिंग फैक्टर ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे याद करने वाली चीजें क्या है कि वाटर है ये परसेंटेज, प्रोटीन्स है परसेंटेज, और क्या है क्लोटिंग फैक्टर, ये मिनरल्स और ये तो सब बता ही देंगे, कोई इसमें बड़ी बात है ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अपने पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें हमें तीन प्रोटीन याद रखने हैं, तीन प्रोटीन याद रखने हैं क्योंकि वो NCERT में दिए हुए हैं, NCERT में दिए हुए हैं, तीन प्रोटीन हमें याद रखने हैं ठीक है। कौन से फिब्रिनोजन, दूसरा कौन सा है अल्ब्यूमिन, और तीसरा कौन सा है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनके फंक्शन से, देखो फिब्रिनोजन तो सबको पता ही होगा, फिब्रिनोजन किस में काम आएगा, क्लोटिंग में काम आएगा, ब्लड क्लोटिंग में ये काम आने वाला है, बिल्कुल ठीक बात है ठीक है। और अल्ब्यूमिन किस काम आता है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ब्लड में क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आता है। और ग्लोबुलिन किस काम आता है, एक तरीके से बोल सकते हो इम्यूनिटी में काम आता है, ये काम आता है इम्यूनिटी में, या बोलो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, आपने सुना होगा ना ये जो होती है अपनी इम्यूनोग्लोबिन है ना, आपने सुना होगा ना एंटीबॉडी कैसी होती है IgG IgM, तो ये क्या होती है इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, तो ये वो वाला ग्लोबुलिन। इतनी बातें अपनी क्लियर हो चुकी है ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और अपने को याद रखनी है, एक वर्ड आता है सीरम, NCERT में लिखा हुआ है सीरम, सीरम क्या होता है सीरम, देखो ये हमने किया था कि प्लाज्मा में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो सीरम क्या होता है, सिंपली अगर हम प्लाज्मा में से ये क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें, निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये अपना क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा अपना सीरम, इतनी सी बात है बस। अब देखो अगर हम RBC की बात करें, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, या इसका दूसरा नाम क्या होता है एरिथ्रोसाइट ठीक है। तो RBC की जो शेप होती है, RBC की जो शेप होती है वो कैसी होती है, बायकनकेव होती है, बायकनकेव, सिंपल सी बात है, देखो कुछ ऐसे बनाओ इसकी बायकनकेव, इसको बना देते हैं हम थोड़ा सा ठीक है, ये बायकनकेव, देखो इधर ये कनकेव है, इधर ये कनकेव हो जाएगा ठीक है। अब देखो इसकी बायकनकेव शेप क्यों होती है, देखो RBC को क्या करना है, सिंपली इसका फंक्शन क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है, RBC का फंक्शन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना ठीक है। अब ये बाय कनकेव इसकी शेप क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कैरी करना चाहती है, ऑक्सीजन को कैरी करना चाहती है ठीक है। और यहां पे मान लो इसके एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अब ऑक्सीजन क्या है ऐसे हीमोग्लोबिन पे मान लो ऐसे अटैच है, हीमोग्लोबिन पे अटैच है ठीक है। तो RBC अपनी शेप और अपना फंक्शन, हर वो फंक्शन इसका किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से ठीक है। अब ये हमने कर लिया ना, हीमोग्लोबिन ऐसे प्रेजेंट है, मान लो ये रफ डायग्राम है, हम समझ रहे हैं कि RBC पे है हीमोग्लोबिन जो कि एक पिगमेंट है, कलरफुल पिगमेंट है, और कलर इसका कैसा है हीमोग्लोबिन का, रेड कलर का ये पिगमेंट है ठीक है। और ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ठीक है। अब देखो इसको क्या है, ऑक्सीजन कैरी करनी है तो RBC की शेप भी वैसे होगी, और RBC के अंदर क्या है, न्यूक्लियस अब्सेंट है, न्यूक्लियस अब्सेंट है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा से
सबसे ज्यादा जगह खाली जगह किसके लिए बनाना चाहती है, ये हीमोग्लोबिन के लिए क्या बनाना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा खाली जगह बनाना चाहती है। ठीक है, ये हम बातें याद रखेंगे, ये बातें हम याद रखेंगे। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की अगर अमाउंट की बात करें, इस हीमोग्लोबिन की अमाउंट की बात करें, तो हेल्दी ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 12 से 16 ग्राम्स, कितने पर 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम कितना क्या प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, हेल्दी ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं जो हम याद रखेंगे कि 120 डेज क्या होती है, एक आरबीसी की जिंदगी होती है, एक आरबीसी का क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम ये क्लियरली याद रखेंगे। ठीक है, अब एक होता है बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान जहां पे आरबीसी अपनी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो इसका आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने बात की थी ना कि इसमें न्यूक्लियस जो अब्सेंट होता है, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, तो यहां हम मैमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें हम याद रखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं WBC के बारे में, WBC व्हाइट ब्लड सेल, या इसका दूसरा नाम बोला ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब देखो WBC अपने पास क्या है, दो टाइप की होती है, WBC अपने पास दो टाइप की होगी, एक तो होगी ग्रैन्यूलोसाइट और दूसरी होगी ए ग्रैन्यूलोसाइट। अब ग्रैन्यूलोसाइट अपने पास फर्दर कितने, तीन टाइप की होती है, ग्रैन्यूलोसाइट अपने पास आएगी कितने टाइप की, तीन टाइप की, कौन सी, एक तो होगी न्यूट्रोफिल, एक कौन सी होगी एसिडोफिल या इओसिनोफिल, और तीसरी कौन सी होगी बेसोफिल। और ग्रैन्यूलोसाइट अपने पास दो टाइप की, कौन सी, एक मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट। तो टोटल WBC अपने पास पांच टाइप की आ गई, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये अपने पास पांच टाइप की आ गई। ठीक है, अब इनकी कौन ज्यादा होती है कौन कम होती है, टोटल अबंडेंसी की बात करें तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, लिलिवा भाभी है ना, क्या ट्रिक है, नीलिमा भाभी। ठीक है, और ये हम ऑर्डर लगा देंगे, सबसे ज्यादा होगी न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल, और सबसे कम कौन सी होगी, बेसोफिल। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इनके फंक्शन की बात करें, फंक्शन की, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती है वो होती है फेगोसाइटिक। मोनोसाइट भी कैसी है, फेगोसाइटिक, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फेगोसाइटिक, इनका फंक्शन खत्म। और लिम्फोसाइट हमें पता ही है कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है ना, कहां पे काम आती है, हम कहां पे पढ़ते हैं इसको, इम्यूनिटी में ना, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में काम आते हैं ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और वो सब, बिल्कुल सिंपल है, इम्यूनिटी में काम आते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, देखो बेसिक का, बेसोफिल का ऐसे याद रखना कि ये बेसिक चीजें रिलीज करती है, जो बेसोफिल है वो बेसिक सी चीजें रिलीज करती है, बेसिक सी चीजें जैसे हिस्टामिन हो गया, जैसे सीरोटोनिन हो गया, जैसे हेपेरिन हो गया। देखो मैं फिर से बोला हूं, नोट्स है ना, आप साथ साथ बनाना, साथ साथ बनाओगे तो मजा आ जाएगा। अब मैं तो साथ साथ इतना लिख नहीं सकता, तो मैं ये वन लेटर लिख देता हूं, पर आप साथ साथ नोट्स बनाया करो। ठीक है, बेसोफिल जो होगी वो बेसिक सी चीजें रिलीज करेगी, जैसे हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया और हेपेरिन हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन वाली रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और ये क्या करेगी, एसिडोफिल, इसको ऐसे याद रखना, A4 एसिडोफिल A4 एलर्जी। ठीक है, बिल्कुल अपने को फंक्शन भी सबके क्लियर हो चुके हैं। अब WBC के बाद क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, WBC के बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में देखो सबको याद रहता है क्लोटिंग है ना, सिर्फ सबको याद रहेगा क्लोटिंग, जो आपको याद रखना है, जो आपको भूल जाएगा, NCERT में लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा करियोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा करियोसाइट्स। ठीक है, ये आपको भूल जाएगा। ठीक है, अब देखो हम तीनों सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आरबीसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, WBC के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कि इनका नंबर, इनकी संख्या, नंबर इनका कितना कितना होता है और कहां पे पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, कि आरबीसी जो है वो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितनी होती है, WBC कितनी होती है, प्लेटलेट कितनी होती है। तो आरबीसी का नंबर कितना होता है, 5 to 5.5 million, है ना, 5 से 5.5 million कहां पे, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होती है। और WBC 6000 से 8000, 6000 to 8000 होती है कहां पे, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। ठीक है, और प्लेटलेट कितनी होती है, 1.5 to 3.5 lakhs। ठीक है, 1.5 से 3.5 lakh तक ये होती है।
अब देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, किसने परफॉर्म किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। और किसका यूज किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का यूज किया था। अब देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो टाइप की कॉलोनीज हमारे पास होती है, दो टाइप की, एक स्मूथ कॉलोनी एक रफ कॉलोनी। ठीक है, जो स्मूथ कॉलोनी होती है वो कैप्सुलेटेड होती है, म्यूकस कोट उसमें प्रेजेंट होता है और वो वायरुलेंट होती है। और जो रफ कॉलोनी होती है वो नॉन कैप्सुलेटेड होती है, म्यूकस कोट इसमें अब्सेंट होता है और ये नॉन वायरुलेंट होती है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है ये वायरुलेंट है तो ये क्या करेगी, यही माइस को किल करेगी। ठीक है, और रफ है ये नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये माइस को किल नहीं करेगी। ठीक है, रफ कॉलोनी में बिल्कुल क्लियर हो रहा है नॉन वायरुलेंट है, मतलब माइस इसके इंफेक्शन से जिंदा रहेगा। और स्मूथ कॉलोनी में क्या है? वायरुलेंट है, तो माइस इसके इंफेक्शन से क्या है? किल हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बट यहां पे एक मजे की बात क्या है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब हम हीट किल्ड स्मूथ कॉलोनी का यूज करते हैं तो माइस जो है वो जिंदा रहता है ना। हमने क्या किया, स्मूथ कॉलोनी की जो एस स्ट्रेन है, मतलब मतलब स्मूथ स्ट्रेन है ना, उसको हीट किल्ड किया तो माइस जिंदा है यहां पे। ठीक है, ये अपनी बात है। ठीक है, अब यहां पे कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो यहां पे एक चीज, यहां पे ये मजेदार की गई, यहां पे मजेदार एक चीज क्या की गई कि आर स्ट्रेन मतलब रफ वाली प्लस एस वाली जो है हीट किल्ड अगर यूज करते हैं तो माइस की डेथ हो रही है। देखो नेचुरली क्या होना चाहिए था, रफ की वजह से माइस जिंदा रहना चाहिए था और हीट किल्ड एस की वजह से भी माइस जिंदा रहना चाहिए था, बट यहां पे माइस की डेथ होगी। मतलब क्या है यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ तो ऐसी चीज है जो एस स्ट्रेन से आर वाले में ट्रांसफॉर्म हुई है, कुछ ऐसी चीज है, बट वो चीज क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है, अभी तक पता नहीं चला। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब यहां पे हमें पता लगाना है कुल मिला के डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ कि आरएनए हुआ कि प्रोटीन हुआ। ठीक है, ये किसने किया? एवरी मैक्लोइड मैकार्टी, तीन साइंटिस्ट हैं, एवरी मैक्लोइड मैकार्टी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इस डीएनए की, जो सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है वो डीएनए होता है। कैसे बताया? इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज किया। कौन से? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीएजेस, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले आरएनएजेस और डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले डीएनएजेस। ठीक है, सबसे पहले यूज किया इन्होंने प्रोटीएजेस का, मतलब क्या है, प्रोटीन का इन्होंने डाइजेशन कर दिया, मतलब प्रोटीन को खत्म कर दिया। बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई प्रोटीन खत्म होने के बाद भी, मतलब एक बात क्लियर है कि प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, आरएनए को खत्म कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मतलब आरएनए भी क्या है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही थी ना, सिंपल सी बात है। फिर उन्होंने डीएनए को जब डाइजेस्ट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो गई। मतलब सीधा सीधा है कि डीएनए ही क्या है, अपना ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, देखो इन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज किया था और बैक्टीरियोफेज से इन्होंने किसको इन्फेक्ट कराया, ईकोलाई को। देखो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं वायरस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो ईकोलाई को इन्होंने इन्फेक्ट कराया बैक्टीरियोफेज से। ठीक है, अब इन्होंने क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, अब इनका यूज क्यों किया, क्योंकि क्या होता है, डीएनए के पास फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन के पास क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, इनके स्टेप कौन से थे, इन्फेक्शन ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इनके स्टेप। देखो इनका मकसद क्या था, देखो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया ईकोलाई को। अब ईकोलाई के अंदर हमने चेक कर लिया कि रेडियो एक्टिव सल्फर आ रहा है ना, इन्फेक्शन के थ्रू रेडियो एक्टिव सल्फर दिखा या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिखा, तो रिजल्ट जो हमें मिला क्या, ईकोलाई के अंदर जो इन्फेक्शन के थ्रू आया वो आया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आया, मतलब फॉस्फोरस किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर, तो जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो क्या था, डीएनए। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से क्या मिला, मैं अनइक्विवोकल प्रूफ मिल गया दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स को कैसे याद रखें, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो फिजिक्स में फेल हो गया राम, फिजिक्स से हमें याद आया फाइकोमाइसिटीज और राम के आर से हमें याद आया राइजोपस और ए से अल्ब्यूगो और एम से म्यूकर। सीडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स को कैसे याद रखें, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो बासमती सबको पता होगा क्या होता है, बासमती एक राइस की वैरायटी है, तो बासमती जो राइस है उसको किसने डिस्कवर किया था, तो बासमती है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, तो इसको डिस्कवर किया था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। तो बासमती के बी ए एस से हमें याद आया बेसिडियोमाइसिटीज और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU, पी से हमारे पास आया पक्सीनिया, ए से हमारे पास आया अगेरिकस और यू से हमारे पास आया अस्टिलागो।
ड्यूटेरोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखें? देखो सिंपल है, कुत्ते बिल्ली का खेल है। मतलब ड्यूटेरोमाइसिटिस के डी से हमें याद आया डॉग, और डॉग किसके पीछे भागेगा? कैट के पीछे। तो कैट के सी से हमारे पास आया कलेक्टोट्राइकम, ए से हमारे पास आया ऑल्टरनेरिया, और टी से हमारे पास आया ट्राइकोडर्मा।